जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्लास 11th मैथमेटिक्स में हमारा एक चैप्टर आता है जिसका नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है क्योंकि चैप्टर 7 में तो चलो भाई ठीक है, ये हमारा इसमें आपको पेपर में क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर आएगा बेटा क्लास 11th में भी, क्लास 12th में भी, तो वहां पर भी इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट लगातार यूज होते रहेंगे। और क्लास 12th में ऐसे कई चैप्टर होंगे बेटा जहां पर अचानक से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अपनी एंट्री मार लिया करेगा। तो इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लोग 12th में भी यूज होंगे और 12th के आगे की भी बेटा जो आपकी हायर स्टडीज है वहां पर भी ये चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। जो हमारे CA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हों, CMA फाउंडेशन वाले बच्चे हों, JEE वाले बच्चे हों, तो बेटा आपके बेसिक्स, आपके जो बेसिक्स हैं बेटा वो इस वीडियो से आपके कवर होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस पूरे चैप्टर को, पूरा चैप्टर बेटा मैं यहाँ पे फिनिश कराऊंगा। एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे पूरे कंप्लीट कवर करवाऊंगा, सभी कॉन्सेप्ट बेटा मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। तो कोई सा पार्ट इधर छूटेगा नहीं भाई, तो आपको भी बड़ा ये सजेशन दूंगा किसी पार्ट को स्किप आप भी मत करना, और जब मैं पढ़ाऊँ ना तो साथ साथ भाई आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि एक वन शॉट वीडियो है, आपसे वीडियो को देख लोगे तो चलो ठीक है माइंड में कॉन्सेप्ट तो भाई आ जाएंगे, बट प्रैक्टिस भी आप लोगों को साथ में भाई करते रहने पड़ेगी। ठीक है, तो बच्चों ऐसा है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, जब हम इसके नाम की बात करते हैं ना यार, तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में ना हम बात करने वाले हैं अरेंजमेंट्स की, अरेंजमेंट्स। अभी थोड़ी देर में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल बड़े ये समझ लो कि चाहे परम्यूटेशन हो या कॉम्बिनेशन हो, दोनों में ही हमें क्या करना होगा, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को बेटा हम लोगों ने अरेंज करना है। ठीक है, अब उस अरेंजमेंट में भी कई बार क्या होता है, कई बार हमारा ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, और कई बार हमारा ऑर्डर जो होता है ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। कई बार ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, कई बार इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता। जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है भाई तो उस सिचुएशन में उन अरेंजमेंट्स को बोला जाता है परम्यूटेशन, तब इन्हें बोला जाता है बेटा परम्यूटेशंस। लेकिन अगर मान लो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट तो उस सिचुएशन में बेटा इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन। अब जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा होगा वो बोल रहा होगा सर ये क्या ऑर्डर इंपॉर्टेंट, ऑर्डर नॉट इंपॉर्टेंट, ये सब चीज आप बोलने में लगे हुए हो, क्या अरेंजमेंट्स की आप बातें कर रहे हो। तो भाई देखो थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, एक एक चीज बेटा मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, थोड़ा सा बस आपको सबर रखना होगा। ये जो परम्यूटेशन है बेटा, इसके जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिखेंगे वो आपकी एनसीईआरटी 7.3 में दिखेंगे, कॉम्बिनेशंस के जो क्वेश्चन बेटा आप लोगों को दिखेंगे वो आपको एनसीईआरटी 7.4 में दिखने वाले हैं। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर पूरी एक्सरसाइज बेटा हम इसको डेडिकेट करेंगे यार। ठीक है, तो इसके लिए एक अलग से बेटा पूरा टाइम जो इसको दिया जाएगा, तब तक के लिए बस ये मान के चल लो कि जब भी हम बोले परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस तो उसका मीनिंग क्या है, अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट। ठीक है, तो बाकी ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ऑर्डर नहीं इंपॉर्टेंट है तो इस पर भी आएंगे बट थोड़ी देर के बाद। देखिए बच्चों हमें सबसे पहले बेटा यहां पर जो चीज देखनी है वो है, वो है बेटा हमारे पास फंडामेंटल, फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एक आपने क्लास 10th में पढ़ी थी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यहां पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। यहां पर क्या बोला जाता है, यहां पर बोलते हैं कि इफ एन इवेंट कैन अकर इन एम नंबर ऑफ वेज, एम नंबर ऑफ वेज, एम नंबर ऑफ वेज, एंड आफ्टर दैट, एंड आफ्टर दैट अदर, अनदर इवेंट, अनदर इवेंट कैन occur in n number of ways, n number of ways। ठीक है, किसी एक इवेंट को परफॉर्म करवाने के हमारे पास m तरीके हैं और उसके बाद किसी दूसरी इवेंट को परफॉर्म करवाने के हमारे पास n तरीके हैं, n।
ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि पहली इवेंट भी परफॉर्म हो, दूसरी इवेंट भी परफॉर्म हो, ठीक है। देन एन नंबर ऑफ वेज, देन टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबिलिटी, देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मिंग या फिर ऑकरेंस ऑफ टू इवेंट्स, टू इवेंट विल बी एम इंटू एन। दोनों इवेंट को अगर हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो हमारे पास जो टोटल जो पॉसिबिलिटीज बनेंगी वो कितनी बनेंगी, वो बनेंगी एम इंटू एन। सर इसका मतलब क्या है जरा अब वो समझते हैं, अब जरा इसका मीनिंग समझते हैं। ये समझ लो भाई कि आप हो घर में अकेले, ठीक है, और आपको लग रही है भूख, मम्मी होती तो खाना बना के खिलाती आपको, ठीक है, लेकिन आपको भैया खाना पकाने की अभी इच्छा नहीं है या फिर बनाना नहीं आता है, कुछ भी मान लो, तो भैया अब आप करने वाले हो खाने को ऑर्डर ऑनलाइन, ठीक है। अब ऑर्डर ऑनलाइन करोगे तो भैया आप जोमैटो से भी ऑर्डर कर सकते हो और स्विगी से भी आप बेटा यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो, जोमैटो से भी कर सकते हो और स्विगी से भी कर सकते हो। तो भाई देखो अब ऐसा है ना, आपको इन दोनों में से किसी एक चीज का चुनाव यहां पर आप लोगों को करना है, इन दोनों में से कोई एक चीज बेटा आप लोगों को यहां पर चूज करनी है, ठीक है। अब समझ नहीं आ रहा भैया क्या मंगाएं, इंडियन मंगाया जाए, चाइनीज मंगाया जाए या इटालियन मंगाया जाए। हाँ जी, हम होते तो भैया ठीक है, हम तो अपने लिए चिकन बिरयानी ऑर्डर कर चुके होते, लेकिन कोई नहीं भैया, देखो यहाँ पे है इंडियन, चाइनीज, इटालियन, ये तीन जो है बेटा आपके सामने ना ऑप्शन है कि इन तीनों में से किसी एक को आपको चूज करना है। तो देखो अब ऐसा है ना, जोमैटो से इंडियन ऑर्डर कर सकते हो, इटालियन को बेटा मैं यहाँ पे इंडियन को मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, चाइनीज को सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसको इटालियन को मैं टी से मैं रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो जेड से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम एस के जरिए रिप्रेजेंट करने वाले हैं। जोमैटो से ऑर्डर करोगे तो इंडियन आ सकता है, जोमैटो से चाइनीज भी मंगा सकते हो, जोमैटो से इटालियन भी मंगाया जा सकता है, इटालियन भी मंगाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा अगर स्विगी से ऑर्डर करोगे तो पहले तो भैया स्विगी अपने फोन पे देखो, स्विगी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। स्विगी से ऑर्डर करोगे तो इंडियन भी आ सकता है, चाइनीज भी आ सकता है और इटालियन भी बेटा आपके पास यहां पर आप लोग मंगा सकते हो। तो ये क्या चीज है भाई, ये क्या चीज है? तो आप बोलेंगे सर ये है टोटल पॉसिबिलिटीज, कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ये है टोटल पॉसिबिलिटीज, टोटल पॉसिबिलिटीज। अगर मुझसे पूछ लिया जाए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या है भाई, तो आप क्या जवाब देंगे? तो आप बोलेंगे टोटल पॉसिबिलिटीज हमारे पास 6 हैं, कि हम जोमैटो एप्लीकेशन अपने फोन पे इंस्टॉल करेंगे तब इंडियन मंगाएंगे, कुछ इंडियन डिश ऑर्डर करेंगे, जोमैटो से हम चाइनीज ऑर्डर करेंगे, जोमैटो से हम इटालियन ऑर्डर करने वाले हैं। ऐसी हम अपने फोन पे जोमैटो हटाकर, भैया हो सकता है ऑफर नहीं है तो स्विगी पे कुछ हो सकता है, बड़ी ऑफर चल रहा हो तो स्विगी से भी हम इंडियन, चाइनीज और इटालियन हम यहां से ऑफर कर सकते हैं। तो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज हमारे सामने हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर तो मैंने उन 6 की 6 पॉसिबिलिटीज को एक एक करके आपके सामने लिखा है, पर यहां पर देखो यही ऑप्शन अगर 3-4 ऑप्शन आपके सामने और होती, यहां पर ही 4-5 आपके सामने और ऑप्शन रख दिए जाते तो उस सिचुएशन में पॉसिबिलिटीज आपकी बढ़ जाएंगी भाई, ठीक है। तब बेटा आप लोगों को यहां पर क्या है ना, तब आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट वो नंबर लिखना है। तो क्या किया जाएगा, तो आपने करना क्या है, आप बोलेंगे सर हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज चाहिए। तो देखो पॉसिबिलिटीज के लिए देखो हमें ना यहां पर दो चीजें करनी है, हमें करनी है दो चीजें। सबसे पहले हमें इन दोनों में से किसी एक ऐप का हमें चयन करना है, सिलेक्शन करना है। हम या तो जोमैटो से खाना मंगाएंगे या स्विगी से खाना मंगाएंगे। तो मेरे पास अभी ऑप्शंस कितने अवेलेबल हैं, कितने विकल्प मेरे पास उपलब्ध हैं? तो आप बोलेंगे सर मेरे पास दो विकल्प उपलब्ध हैं, जोमैटो और स्विगी। तो यहां पर लिख लो टू, यहां पर लिख लो टू। हमें कितने सेलेक्ट करने हैं वो नहीं लिखना, हमारे पास सेलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमें वो लिखना है। तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं दो, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस अवेलेबल का ही यूज करना है पूरे चैप्टर में।
ठीक है। उसके बाद जब हम इन दोनों में से किसी एक को चूज कर चुके होंगे, इस टू का मतलब क्या है कि इन दोनों में से कोई एक चूज हुआ है, उसके बाद अब हमें इन तीनों में से किसी एक को चूज करना है, किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो ऑप्शंस अवेलेबल बच्चों 1, 2, 3, तो यहां पर हम लिख लेंगे 2 × 3 और आंसर इज 6, यानी कि कुल मिला के 6 ऑप्शंस बेटा, 6 पॉसिबिलिटीज यहां पर हमारे लिए टोटल इधर बनने वाली हैं। तो यही है बेटा हमारी क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें क्या बोला जाता है कि किसी एक इवेंट, इफ एन इवेंट कैन अकर इन एम नंबर ऑफ वेज एंड अनदर आफ्टर दैट अनदर इवेंट कैन अकर इन एन नंबर ऑफ वेज, देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मिंग टू इवेंट्स विल बी एम इनटू एन। पहली वाली इवेंट को कितने तरीके से परफॉर्म करवाया जा सकता है और जो दूसरी वाली इवेंट है उसको कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास उसको परफॉर्म करवाने के, तो उन दोनों की हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। भाई मैं मान के चल रहा हूँ बेटा आप लोगों को ये बात यहाँ पर समझ में आई होगी। मैं आपसे बोलता हूँ बेटा कि आपके पास कोई बेटा यहाँ पे कलर्स हैं, रेड येलो ब्लू ग्रीन, रेड येलो ब्लू ग्रीन, और आपने इस तिरंगे में तीन रंगों को डालना है, ठीक है, और जो रंग यहां आ गया वो यहां इन बाकी दो जगहों पर नहीं आना चाहिए भाई, ठीक है। सो अब सोचो चार कलर्स हैं और मुझे इन चार में से तीन कलर को चूज करना है जिससे कि मैं इस फ्लैग को बना सकूं, एक तिरंगा बटा मैं यहां पर बना सकूं, ठीक है। तो ये जो तिरंगा अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे बेटा तीन रंग आपको इसके लिए चूज करने पड़ेंगे भाई। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, तो हो सकता है ऊपर वाले में R आ जाए, नीचे वाले में Y आ जाए, फिर B आ जाए, फिर ऐसी RYG, ऐसी क्या पता Y पहले हो, R हो, फिर B हो, तो ऐसी कई सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी ना यार, कितनी बनेंगी, मुझसे वो नंबर पूछ लिया जाता है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, टोटल पॉसिबिली, तो सोचो हमें भरने हैं तीन बॉक्स, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, ठीक है। अब सोचिएगा, बोलो बेटा जो पहला वाला बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर कौन कौन सा कलर आप कर सकते हो, तो आप बोलेंगे सर रेड भी यहां पे आ सकता है, येलो भी आ सकता है, ब्लू भी आ सकता है और ग्रीन भी आ सकता है, RYBG, इन चारों में से कोई भी एक कलर इस वाले बॉक्स में आ सकता है। तो मैंने क्या बोला, बॉक्स के अंदर लिखना है पॉसिबिलिटीज को, ऑप्शंस अवेलेबल को। तो बच्चे इस पहले बॉक्स के लिए मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं, तो आप बोलेंगे मेरे पास चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है सर। अब सोचो इन चारों में से मान लो तुमने यहां पर लिख लिया रेड, तो रेड को छुपा दोगे, क्या अगले वाले में अब रेड आएगा, तो आप बोलेंगे नहीं सर वो रेड तो ऊपर आ गया है, वो नीचे नहीं आ सकता, अब यहां तो Y आएगा या फिर यहां पे B आएगा, फिर या तो यहां पे G आएगा, Y B और G में से ही कोई एक इसके अंदर आएगा। तो सोचो अगले वाले के लिए अब आपके पास ऑप्शंस कितने बचेंगे, तो आप बोलेंगे सर अगले वाले के लिए ऑप्शंस बचेंगे तीन। यहां पर तुम अगर Y लिख दोगे तब यहां पे या तो R आएगा या B आएगा या G आएगा, यहां पर तुम अगर G को लिख लोगे तब यहां पे RY या B, इन तीनों में से कोई एक आएगा। तो मतलब बात ऐसी है ना, इन चार में से इस पहले वाले बॉक्स में कितने कलर यूज हो चुके हैं, तो भैया चार मत बोलना, अगर मन में चार आ रहा है तो खुद को एक पहले मुक्का मारो बेटा, चार नहीं है, इन चारों में से कोई एक ही कलर यहां पर यूज हुआ होगा। ये चार तो हमें ऑप्शंस अवेलेबल बता रहा है कि भैया इस बॉक्स में लाने के लिए हमारे पास चार विकल्प उपलब्ध हैं, चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट हम चारों को थोड़ी यहां रखेंगे किसी एक को ही, ठीक है भैया। अगर मान लो आपको बोला जाए, पापा आपको बोले कि बता बेटा तू बहुत पढ़ाई करता है, ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा पेपरों में स्कोर भी कर रहा है, ठीक है, टीवी वगैरह कुछ भी नहीं देखता, तो बता बेटा तू क्या चाहता है, तो तुम बोलते नहीं पापा हम तो पढ़ाई करना चाहते हैं, और तो अंदर तो उसे तुम्हें भी मालूम है कि तुम क्या चाहते हो, फिर पापा बोलते हैं कि बता बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं भी जानता हूं कि तू क्या चाहता है, मैं तेरे को एक मोबाइल गिफ्ट करना चाहता हूं, बता बेटा तो कौन सा मोबाइल लेगा, ठीक है। तो अब देखो पापा तुम्हें ऑप्शन देते, बता बेटा एप्पल लेगा,
ठीक है, तू यहाँ पे सैमसंग लेगा कोई महंगा वाला, सस्ते वाले तो फिर हैंग होते रहेंगे ना, या फिर तू वन प्लस लेगा भाई, बता बेटा तू कौन सा लेगा। तो तुझे तीनों नहीं मिल जाएंगे, मिलेगा कोई एक, ठीक है, किसी एक पे हाथ रख दो बेटा, और मुझे मालूम है तुम्हारा हाथ कहां पर जाने वाला है, ठीक है। सो बच्चों ऐसा है, उसी प्रकार से इस एक बॉक्स में बेटा हमें इन चारों में से कोई एक ऑप्शन, एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है, बट बॉक्स के अंदर लिखते क्या है, ऑप्शंस अवेलेबल, चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सेलेक्ट कोई एक होगा, फिर अगले के लिए क्योंकि एक यहां सेलेक्ट ऑलरेडी हो चुका होगा तो अगले के लिए तीन ऑप्शंस बचेंगे। फिर सोचो उन तीन में से कोई एक फिर यहां पर भी सेलेक्ट हो चुका होगा तो अगले के लिए दो ऑप्शंस बचेंगे, तो 4 × 3 × 2 तो कुल मिला के 24 पॉसिबिलिटी बेटा हमारे सामने यहां पर बन जाएंगी। तो यानी कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही इवेंट्स को परफॉर्म करना हो, इवेंट्स तीन भी हो सकती है, इवेंट्स चार भी हो सकती है, इवेंट पांच भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन किया, अब देखो क्वेश्चन को मैं बदल देता हूं, मैं आपके सामने बेटा कुछ डिजिट्स रख रहा हूं, मैं आपके सामने डिजिट सकता हूं 2, देखो अगर अभी कम समझ में आया ना, अभी पूरा बढ़िया समझ में आएगा, निश्चिंत रहो, 2, 3, 5, 6 और बस 4 एलिमेंट्स बेटा मैंने आपके सामने इधर रख दिए हैं। फिर मैं आपसे बोलता हूं कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ओके, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ओके। सो हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स कैन बी मेड, लो भाई ये बेटा क्वेश्चन आपके सामने इधर रख दिया जाता है। तो देखो रिपीटिशन अलाउड नहीं है, और अब हमें दो अंकों की संख्या बनानी है, दो अंकों की संख्या 23, 25, 26 ये हो सकती है भाई, 32, 35, 36 ये भी हो सकती है, 52, 53, 56 भी हो सकती है, एंड ऐसी 62, 63 एंड 65 ये भी हो सकती है। तो कुल मिला के 12 पॉसिबिलिटीज आपके सामने हैं। अच्छा 22 नहीं लिख सकते, रिपीटिशन है, 33 नहीं लिख सकते, रिपीटिशन है, 55 नहीं लिख सकते, यहां पर रिपीटिशन है, 66 भी नहीं लिख सकते, इधर भी रिपीटिशन है, ओके। सो हमें बनाने हैं टोटल 2 डिजिट नंबर्स, तो दो अंकों की संख्या बनानी ना बेटा, हमें तो 2 डिजिट नंबर बनाना है, तो आप समझ लो कि भैया हमें दो वैकेंट प्लेसेस को फिल करना है, हमें दो एम्प्टी बॉक्सेस को फिल करना है। तो सोचो हमें 2 डिजिट नंबर बनाना है, तो 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए बेटा सबसे पहले आपको पहली डिजिट चूज करनी पड़ेगी, पहली डिजिट आपके पास 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, स्टार्ट आप यहां से कर सकते हो, स्टार्ट आप वहां से कर सकते हो, मर्जी आपकी, ठीक है, 2, 3, 5, 6। सो इस बॉक्स को भरने के लिए मेरे पास बचेंगे, मेरे पास हैं चार ऑप्शंस। मान लो तुम्हारा नंबर 2 से स्टार्ट होता है, तो अगला नंबर या तो 3 होगा या 5 होगा या 6 होगा, तो सोचो चार में से कोई एक तो पहले सेलेक्ट हो चुका होगा, अगले के लिए चार में से कोई एक ही सेलेक्ट हुआ होगा, ये चार तो हमें ये बता रहा है कि चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगले के लिए बेटा अब हमारे पास 3 ऑप्शंस बचेंगे, तो 4 × 3 और हमारा आंसर आ जाएगा बेटा यहां पे 12, और आपने देख भी लिया 6 और 6 कुल मिला के 12 नंबर बेटा हमारे यहां पे बन रहे थे। अगर मैं बोलूं टोटल टू डिजिट नंबर्स इफ repetition is allowed, अगर repetition allowed है तो उस situation में क्या होता, तो अब आप बोलेंगे सर क्योंकि repetition allowed है तो यहां पर 2, 3, 5, 6 इन चार में से कोई भी आ सकता है, ऐसी 2, 3, 5, 6 इन चारों में से भी कोई भी आ सकता है, तो 4 × 4 हमारा जो आंसर है बेटा यहां पे हमारा आंसर इधर बन जाएगा 16, और 16 देख लो 12 में ये 4 ऐड कर लो तो 16 नंबर बेटा हमारे यहां पर बन रहे हैं भाई। तो बच्चों इस तरह से हमारे क्वेश्चंस बना करते हैं यार। अब यहां पर तो ऐसा था ना भाई, यहां पर तो ऐसा था बेटा कि हमें यहां पर सिर्फ इसने 2 डिजिट नंबर बोला,
कई बार थ्री डिजिट नंबर भी बोल सकता है भाई, मुझसे बोल दिया जाए कि हमारे पास डिजिट्स हैं, डिजिट्स हैं हमारे पास वंस वंस टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, एक से लेकर नौ तक सब आ गए, ठीक है। अब आपसे बोल देता है हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी मेड, ठीक है, पहले पार्ट में इफ रिपीटिशन, इफ रिपीटिशन इज अलाउड, दूसरे पार्ट में इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, मान लो रिपीटिशन अलाउड ही नहीं है। तो भाई देखो ऐसा है ना, रिपीटिशन अगर अलाउड है सो बेटा समझो पहले बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास एक से लेके नौ तक कोई भी नंबर हम यूज कर सकते हैं, पहले बॉक्स को भरने के लिए नौ ऑप्शंस अवेलेबल है। ऐसी क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, जो नंबर यहां आएगा वो वहां भी आ सकता है, वन टू यहां पर भी ऐसे नाइन तक चले जाएगा, और ऐसी वन टू ऐसी यहां पर भी नाइन तक चले जाएगा, तो 9 × 9 × 9 बिट हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा। तो आई थिंक 729 मेरे ख्याल से इसका नंबर ये आई थिंक बन जाना चाहिए, 981, हाँ ठीक है। लेकिन अगर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन बेटा हमारे पास अलाउड इधर नहीं है, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो सोचो एक दो तीन ऐसी नाइन तक तो ही जाएगा, ये नाइन तक जाएगा भाई, ठीक है, ओके सर ठीक है नाइन तक जाएगा। तो इस बॉक्स के लिए हमारे पास नाइन ऑप्शंस अवेलेबल है, पहले तो नाइन ऑप्शंस अवेलेबल है। अब क्योंकि क्योंकि बेटा हमारे पास इन नौ में से सेलेक्ट कोई एक ही हुआ होगा, ये नाइन तो ऑप्शंस अवेलेबल को बता रहा है, ठीक है, नाइन लिखने का मतलब इन नौ में से कोई भी एक नंबर यहां आ सकता है। अब कोई एक अगर मान लो सेलेक्ट हो गया, मान लो वन सेलेक्ट हो गया, तो वन अब अगले वाले में नहीं आएगा, तो अगले वाले के लिए ना अब यहां पर एट ऑप्शन बचेंगे, फिर अगले वाले के लिए बेटा हमारे पास यहां पर सेवन ऑप्शन बचेंगे भाई, 9 × 8 × 7 तो 856 और इंटू में 9 आई थिंक 504 बेटा हमारा इसका आंसर आना चाहिए यार, 9 × 8 = 72 7 × 14 = 49, ठीक है एकदम। सो 504 बेटा यानी 504 थ्री डिजिट नंबर बन सकते हैं जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा भाई। तो ये भी बेटा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर अब ना क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन में लाते हैं बदलाव, क्वेश्चन में लाते हैं चेंज। मैं बोलता हूँ बेटा कि हमारे पास ना कुछ डिजिट्स दे रखी हैं, 1 2 3 4 5 नहीं लिखते, 6 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 and 6, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूँ हाउ मैनी टू डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड, हाउ मेनी टू डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड इफ, पहले पार्ट में इफ रिपीटिशन, रिपीटिशन इज अलाउड, सेकेंड पार्ट में रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। सो देखो भाई ऐसा है ना, हमें टू डिजिट का इवन नंबर बनाना है, टू डिजिट का तो इवन नंबर होना चाहिए। तो भाई देखो ऐसा है ना, वो इवन नंबर हमारा क्या हो सकता है, 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6 2, ठीक है ऐसे। फिर हमारा यहां पे आ सकता है 2 2 2 2 हो सकता है, ठीक है। अच्छा 2 2 ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, अच्छा पहले मैं अगर माना यहां पे 1 4 लिख लेता हूं, 1 4 2 4 3 4 4 4 and 6 4, एक पांच ये कैसे हो गए, पांच ही हो गए। अब ऐसे यहाँ पे हमारा 1 आ गया, 4 आ गया, अच्छा ऐसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 6 2 6 3 6 4 6 and 6 6, देख सकते हैं बेटा ये सब वो नंबर हैं जो सब इवन नंबर हैं, टू डिजिट के बोले हैं इवन नंबर बोले हैं। इवन नंबर का मतलब आपको मालूम है, जैसे मैं लेता हूँ 3 5 6, ये इवन नंबर है। इवन के लिए यहां पर 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अगर तुम मान लो यहां पे कोई 1 लिख दोगे, 3 लिख दोगे, 5 लिख दोगे, 7 लिख दोगे, तब वो इवन नहीं रहेगा, तब वो ऑड नंबर हो जाएगा। तो इसलिए भाई ऐसे है ना, देखो कितने बन रहे हैं, 5 5 10 और 5 15 नंबर बन रहे हैं।
जब रिपीटेशन अलाउड है, टू डिजिट इवन नंबर, राइट? ओके सर, तो अब हम इसको करेंगे कैसे? हमें दो डिजिट का बेटा इवन नंबर बनाना है, तो इवन नंबर बनाने के लिए देखो यहां पर अब आपको कंडीशन लगानी पड़ जाएंगी, तो यहीं पर ही ना बेटा अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहीं से ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहां पे कंडीशंस लगानी पड़ जाती है हमको बहुत सारी यार। कई बार शुरुआत यहां से करनी पड़ती है, कई बार शुरुआत वहां से करनी पड़ती है, तो यहीं पर ही बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो यहां पर ना प्रैक्टिस बेटा आप लोगों को अपनी रखनी है भाई, कि क्वेश्चन आए और आप उसका तरीका समझ जाओ करने का। तो इसने बोला टू डिजिट इवन नंबर होना चाहिए, तो मुझे मालूम है कि इवन नंबर होने के लिए उसके यूनिट प्लेस पे या तो टू होना चाहिए या फिर फोर होना चाहिए या फिर यहां पे सिक्स होना चाहिए। बच्चे टू होना चाहिए, फोर आना चाहिए या फिर सिक्स होना चाहिए। तो इस बॉक्स को भरने के लिए बेटा मेरे पास यहां पे तीन ऑप्शन अवेलेबल है। ये तीन ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, तीन। ये नहीं कि हाँ मैंने यूनिट प्लेस पे तीन लिख दिया तो ऐसे तो ऑड बन गया, नहीं भाई। यूनिट प्लेस में या तो मैं टू को लिखूंगा या फोर को लिखूंगा या सिक्स को लिखूंगा। ये थ्री तो ये बता रहा है कि इस यूनिट प्लेस को भरने के लिए मेरे पास तीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देख सकते हैं यूनिट प्लेस पे या तो टू आएगा या फिर फोर आएगा या फिर सिक्स आएगा, ठीक है। हाँ, जो हमारा टेंथ प्लेस होगा, हमारा जो द्वितीय स्थान होगा बेटा, यहां पर हमारा वन टू थ्री फोर सिक्स, इन पांच में से कोई भी आ सकता है, और इस प्रकार से बेटा हमारे 15 नंबर बन जाएंगे भाई, 15। 15 इवन नंबर बनेंगे जिसमें रिपीटेशन इज अलाउड। बट अगर मान लो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड में देखो, तो एक तो इसको हटा दो, एक 4-4 हटा दो, एक 6-6 हटा दो, तो 15 में से 3 हटा दो, 12 नंबर अभी भी हमारे पास होंगे, ठीक है। अब उसको बेटा हम वहां पे कैसे करें, तो देखो बच्चे ऐसा है, ऐसा बेटा सबसे पहली चीज कंडीशन क्या है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। दूसरा इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होने के लिए बच्चे यहां पे हमारा 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए या 6 आना चाहिए, इन तीनों में से कोई एक आना चाहिए। तो लो भाई मैंने यहां पे लिख दिया 3, क्योंकि मेरे पास पहले बॉक्स को भरने के लिए तीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब जरा सोचो, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तुमने अगर पहले यहां 2 लिख दिया तो यहां पर अब 2 नहीं आ सकता, यहां 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, राइट? तो तीन में से देखो टोटल 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 डिजिट है मेरे पास। उन 5 में से मैंने इस बॉक्स में कितने यूज कर लिए हैं, मैंने उन 5 में से इस बॉक्स में कितने डिजिट यूज कर लिए हैं, तो 3 मत बोल देना बेटा वरना मुक्का खाओगे। कोई एक ही यूज करिए है, 3 तो ये बता रहा है कि टोटल ऑप्शन अवेलेबल कितने हैं। तो बच्चे 5 में से कोई एक वहां यूज हो गया, अगले के लिए बच रहे होंगे 4, तो 4 × 3 आंसर विल बी 12, 4, 4 और 4, 12 बेटा हमारे यहां पे ये ऑप्शंस बन जाएंगे यार। सो मैं मान के चलो बेटा ये बात आप लोग यहां पर समझ पाए होंगे, ऐसी क्वेश्चन को करते हैं चेंज। मैं आपके सामने ऑप्शंस रख रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हम आपसे पूछते हैं या फिर 1, 2, 3, 4, 5, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर विद नो रिपीटेशन, विद नो रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं है बेटा, ये हमारे सामने क्वेश्चन है भाई, हाउ मेनी। तो देखो भाई ऐसा है, इवन नंबर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए इवन, ठीक है, नंबर होना चाहिए इवन। इवन होने के लिए भैया यहां पर यूनिट प्लेस पे या तो 2 आए या 4 आए, 1 नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए, वरना वो इवन नहीं रहेगा, तो वो ऑड बन जाएगा। अच्छा ठीक है, तो इस बॉक्स को भरने के लिए तो मेरे पास दो ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, राइट? अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, उन 5 में से यहां कितने यूज हो गए, तो आप बोलेंगे कोई एक ही यूज हुआ है, 5 में से वहां एक यूज हो गया, तो अगले के लिए बचेंगे 4, फिर एक यहां यूज हो जाएगा, तो इसके लिए बचेंगे 3, तो 4 × 8, 8 × 3 = 24, 24 बेटा हमारे इस क्वेश्चन का बन जाएगा आंसर। मैं मान के चल रहा हूं ये बात आप लोग यहां पर समझ पाए होंगे। सो ये क्लियर है भाई, ये क्लियर है, ओके। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं बेटा, 1, 2, 3, 4 ऐसे 9 तक जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं 9 तक, चलो इस पे 0 भी रख लेते हैं। चलो पहले क्वेश्चन को चेंज करते हैं, थोड़ा सा बदल, थोड़ा और बढ़िया बनाते हैं इसको। मैं लिखता हूं बेटा आपके सामने 0, 1, 2, 0, 1, 2, ठीक है। क्वेश्चन है हाउ मैनी 3 डिजिट
नंबर विद नो रिपीटेशन, विद नो रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं चाहिए भाई. हाउ मेनी, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर विद नो रिपीटेशन. क्वेश्चन भाई ध्यान से सुन लो भाई. देखो पॉसिबिलिटीज जो जो बन सकती हैं वो बेटा मैं यहां पे आप लोग बताऊंगा यार, ठीक है, ताकि बुक के क्वेश्चन बड़े इजीली आप लोगों से बने. अब देखो कहता कि हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर विद नो रिपीटेशन, ये हमसे यहां पर पूछ लिया भाई इसने. तो देखो ऐसा है ना, पहले तो देखो एक बार मैं सबसे पहले आपको नंबर बना के दिखाता हूं. 1 2 0 1 0 2 2 1 0 2 0 1 0 1 2 0 2 1. लो भाई ये एक थ्री डिजिट नंबर है, ये भी एक थ्री डिजिट नंबर है, ये भी थ्री डिजिट नंबर है, ये भी थ्री डिजिट नंबर है, बट दिस इज नॉट, दीज टू आर नॉट थ्री डिजिट नंबर्स. कारण आप जानते हैं बेटा, हमारे जो ये जो तीसरा स्थान है थर्ड प्लेस पे जीरो नहीं आना चाहिए ये, इसको ऐसे तो अगर वो थ्री डिजिट नंबर है तो तुम इसके पीछे 2 3 4 0 लगा दो, ऐसे क्या सिक्स डिजिट नंबर हो जाएगा? नहीं, ये एक्चुअल में टू डिजिट नंबर ही है. जीरो उस तरफ नहीं आने चाहिए, इधर कितने भी जीरो लगा दो बेटा. सो बच्चे ऐसा है, इस प्रकार के प्रश्नों में देखो अब क्या होगा, हमें क्या चाहिए, टोटल थ्री डिजिट नंबर्स विद नो रिपीटेशन ना, विद नो रिपीटेशन. तो देखो हमें तीन अंकों की संख्या बनानी है, इट मींस वी हैव टू फिल थ्री वैकेंट प्लेसेस. ओके, अब ऐसा है यहां पर जीरो नहीं आना चाहिए, वन जीरो नहीं आना चाहिए, वन चलेगा टू चलेगा. तो एक्चुअल में इस बॉक्स में कोई दो ही डिजिट आ सकती है, इस बॉक्स को भरने के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है. टोटल डिजिट थी कितनी है मेरे पास, आप बोलेंगे मेरे पास थी टोटल तीन डिजिट, उन तीन में से यहां कितनी यूज हुई होगी, कोई एक, तो अगले के लिए बचेंगी दो और फिर अगले के लिए बचेंगी एक और हमारा आंसर आ जाएगा चार. दोबारा सुनो. टोटल कितनी डिजिट है मेरे पास, तीन. तीन इस बॉक्स में या तो वन आएगा या टू आएगा, जीरो नहीं आएगा. तो इस बॉक्स को भरने के लिए दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है, बट इन दोनों में भी किसी एक को ही तो चूज करोगे, या तो वन को चूज करोगे या टू को चूज करोगे, ठीक है. अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो वन को यहां लिख दोगे तो यहां नहीं लिख सकते फिर, है ना. सो टोटल तीन डिजिट में से एक यहां यूज हो गया, अब इसके लिए बचेंगे कितनी, दो, फिर एक अगेन यहां यूज हो गया तो अगले के लिए बचेगी कितनी, एक. सो आंसर हमारा आ गया चार. ऐसी एक क्वेश्चन और देखिए, आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, आप लोगों को आई थिंक क्वेश्चन 7.3 में दिखेगा. हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो रिपीटेशन. लो जी बच्चों, अभी इस क्वेश्चन में ना हमें यहां पर डिजिट्स नहीं बताई गई हैं बच्चे. इस क्वेश्चन में हमारे पास यहां पे हम लोगों को डिजिट्स नहीं बताई गई हैं. डिजिट्स अगर नहीं बताई गई हैं तो समझ जाओ डिजिट 0 1 2 कहां तक जाएंगे, ये जा रही है 9 तक. सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल कितनी डिजिट होगी बेटा मेरे पास. बच्चे टोटल डिजिट्स कितनी हो गई हैं, हमारे पास टोटल डिजिट्स हैं 10. हमें कितने बनानी है, वी हैव टू मेक फोर डिजिट नंबर्स, फोर डिजिट नंबर्स विद नो रिपीटेशन. ओके, सो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए. आप जरा देखिए, क्योंकि फोर डिजिट नंबर होना चाहिए और आपको मालूम है फोर डिजिट नंबर होने के लिए यहां जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है, उधर जीरो चलेगा, यहां जीरो नहीं आना चाहिए. क्योंकि देखो मैं लिखता हूं 0 1 2 3, क्या ये फोर डिजिट नंबर है, आप बोलेंगे नहीं सर ये थ्री डिजिट नंबर है, ये थ्री डिजिट नंबर है बच्चों. तो थ्री डिजिट नंबर है तो यानी कि ऐसा है ना, यहां जीरो को काट दो, 1 2 ऐसे कहां तक, 9 तक, 1 से लेके 9 तक, इन 9 में से कोई भी एक ऑप्शन यहां पर आएगा. ऑप्शन अवेलेबल है 9, उन 9 में से चूज करेंगे किसी एक को, ठीक है, चूज करेंगे किसी एक को, ठीक है सर. ओके, अब ऐसा है 9 में से किसी एक को चूज कर लिया है, टोटल मेरे पास 10 डिजिट्स थी, टोटल डिजिट्स मेरे पास थी 10, 10 में से हमने किसी एक को यहां शिफ्ट कर दिया, यहां पर फिक्स कर दिया,
एक यहां आ गया, अगले के लिए अब बचेंगी 9। 10 में से यहां कितनी यूज कर ली है, किसी एक को ही यूज किया होगा, ठीक है, अगले के लिए बचेंगे 9, फिर अगले के लिए बचेंगे 8, फिर अगले के लिए 7। सो 9 × 9 × 8 × 7 9 में 81, 8 × 7 = 56, 8 × 6 = 48, 5 × 5 = 5, 8 × 5 = 40, 6 × 13 = 5, 4 × 5 = 36। ये बेटा हमारे इस क्वेश्चन का बन जाता है आंसर। ये बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं मान के चल रहा हूं। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बच्चे मैं रखता हूं आपके सामने। हमारे पास डिजिट्स हैं 0, 1, 2 ऐसे 9 तक सब है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं हाउ मैनी टेलीफोन नंबर 5 डिजिट। ओके, सो बच्चे देखिएगा, यहां पर हमें कहता है कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर ईच स्टार्टिंग विद 98 कैन बी मेड। अब देखो क्वेश्चन में ऐसा है ना, हमें चाहिए टोटल टेलीफोन नंबर, तो वो भी 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर है, अब यहां पर इसने कंडीशन लगा रही कि जो हर नंबर है वो 98 से स्टार्ट हो और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। नंबर हमारा 98 से शुरू होना चाहिए, 98 से। अब जरा सोचो 98 से अगर आप नंबर को शुरू करोगे तो बताओ इस बॉक्स में क्या 9 के अलावा कुछ और आ सकता है, आप बोलेंगे नहीं। क्या मैं यहां पे 8 लिख सकता हूं, आप बोलेंगे नहीं, ऐसे कैसे, क्वेश्चन में बोला हुआ 98 से शुरू करो, तो 98 से शुरू करना है बेटा, तो इस बॉक्स को भरने के लिए मेरे सामने कितने ऑप्शंस हैं, आप बोलेंगे ऑप्शन तो एक ही है, 9 ही लिखना पड़ेगा, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास है भाई, ज्यादा ऑप्शन नहीं है। अच्छा क्या बताओ, क्या इस बॉक्स के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, आप बोलिए सर यहां पर भी ज्यादा नहीं है, एक ही ऑप्शन हमारे पास यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। अब सोचो 9 यूज हो गया, 8 यूज हो गया, अब यहां पर 0 आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता, तो 7 और 1, इस बॉक्स के लिए अब बचेंगे हमारे पास 8 ऑप्शन, फिर उन 8 में से कोई एक यहां यूज हो जाएगा, अगले के लिए बचेंगे 7 ऑप्शन, फिर अगले के लिए बचेंगे 6 ऑप्शन, तो इन सब की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 7 = 56, 56 × 6 = 336 बेटा हमारे इस क्वेश्चन का ये बन जाता है आंसर। सो मैं मान के चल रहा हूं बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर समझ में आया होगा। ऐसे मैं बोलता हूं अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, हाउ मैनी आउटकम्स और देयर। तो देखो भाई लोग ऐसा है ना, टोटल आउटकम्स की बेटा यहां पर ये बात कर रहा है, टोटल आउटकम्स की बात कर रहा है भाई यहां पे। तो देखो अब इस सिचुएशन में ऐसा है बेटा, टोटल आउटकम्स की जब ये बात करता है तो हमने कॉइन को टॉस किया 3 बार, पहली बार टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 2 ऑप्शन है हमारे पास। दूसरी बार थ्रो करोगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, अगेन हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। फिर कॉइन को दोबारा टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, सो अगेन देयर आर 2 ऑप्शंस अवेलेबल। तो टोटल जो है बेटा हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी भाई। और जब आप क्लास 10th में थे तो आपने याद कर रखा है कॉइन के लिए रूल होता है 2 की पावर n, कॉइन को एक बार टॉस करोगे तो 2 आउटकम्स बनेंगे, कॉइन को 2 बार टॉस करोगे तो 4 आउटकम्स बनेंगे, कॉइन को 3 बार टॉस करोगे तो 8 आउटकम्स बनेंगे। देख सकते हैं बेटा 8 हमारा यहाँ पे आंसर आ भी रहा है। ओके, सो ये होता है भाई। अब जरा देखिएगा, अब क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने नया क्वेश्चन बेटा। कहते हैं बेटा कि हमारे पास कुछ डिजिट्स हैं, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी मेड। क्वेश्चन में बोल देता है नो रिपीटेशन, आज बच्चे डिजिट्स हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है।
आप हमसे बोलिए कितने नंबर बना सकते हो, ठीक है? और रिपीटेशन अलाउड नहीं है भाई, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो देखो नंबर्स की जहां तक बात है तो ये वन अपने आप में एक नंबर है, वो वन भी तो क्या एक नंबर ही है ना, गिनती है वो भी, ठीक है। टू भी एक नंबर है, थ्री भी एक नंबर है, तीन नंबर तो यही बन गए। अगर मैं एक एक डिजिट वाले नंबर बनाऊं तो तीन नंबर तो यही बन जाएंगे भाई, है ना? अच्छा सर, ओके सर, ठीक है। अब मैं बोलता हूं चलो दो दो डिजिट के नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। क्या वन टू एक नंबर है? बोलो भाई क्या वन टू नंबर है? आप बोलेंगे यस ये भी नंबर है। क्या वन थ्री नंबर है? वन थ्री भी नंबर है। अच्छा क्या टू वन नंबर है? आप बोलेंगे यस। क्या टू थ्री नंबर है? देखो रिपीटेशन नहीं हो रहा, मैंने वन वन नहीं लिखा, मैंने वन टू लिखा, वन थ्री लिखा, फिर टू वन लिखा, टू थ्री लिखा, फिर थ्री वन और थ्री टू, ये भी हो गया, ठीक है सर। अच्छा अब मैं अगर अगर मैं तीन तीन डिजिट वाले नंबर बनाऊं तो वन टू थ्री वन थ्री टू, ठीक है, टू वन थ्री टू थ्री वन, ठीक है, थ्री वन टू थ्री टू वन, तो ये भी नंबर हो गए। बताओ भाई कितने नंबर बन गए, कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? तो आप बोलेंगे छः और छः बारह और तीन, पंद्रह नंबर बनाए जा सकते हैं, पंद्रह नंबर टोटल 15 नंबर्स में यहां पर बना सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में इसने स्पेसिफाई नहीं किया ना कि कितने डिजिट का नंबर बनाना है। तुम खुद नहीं बोलोगे तो हम क्या समझें, तुम खुद अगर नहीं बोलोगे तो हम क्या समझें भाई? तो मैं फिर इस सिचुएशन में सभी पॉसिबिलिटीज को लिखूंगा, राइट? तो यहां पर देखो क्या है, मैं मुझे नंबर्स बनाने की इसने बात बोली, नंबर्स, ओके, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी मेड, राइट? ओके सर, तो मैंने बोला ठीक है टोटल वन डिजिट नंबर, टोटल वन डिजिट नंबर, तो आप बोलेंगे वन डिजिट वाले तो तीन ही नंबर बन सकते हैं, या तो वन टू या थ्री, तीन ही नंबर बन सकते हैं, या तो वन होगा या टू होगा या थ्री होगा। अच्छा टोटल टू डिजिट नंबर्स, इसको थोड़ा नीचे ले आओ भाई वरना गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी ओके, सो टू डिजिट नंबर चाहिए, तो लो सर यहां पर वन टू और थ्री, इन तीन में से कोई एक आ सकता है, अगले के लिए दो छः। अब ऐसी टोटल थ्री डिजिट नंबर्स, सो यहां पे वन टू थ्री, तो इसके लिए थ्री, इसके लिए टू, इसके लिए वन, तो यहां पर भी छह। तो अब देखो आपको इतना पता चल चुका है कि तीन नंबर ऐसे होंगे जो वन डिजिट वाले होंगे, छह नंबर ऐसे होंगे जो टू डिजिट वाले होंगे, और छह नंबर ऐसे होंगे जो थ्री डिजिट वाले होंगे। मुझे तो टोटल नंबर्स पूछे गए ना यार यहां पे कि टोटल नंबर्स कितने बनेंगे, तो आप बोलेंगे वन डिजिट वाले तीन नंबर बनेंगे प्लस छह, टू डिजिट वाले छह नंबर बनेंगे और थ्री डिजिट वाले भी छह नंबर बनेंगे, तो छह और छह बारह और तीन, कुल मिला के 15 नंबर्स बेटा मैं यहां पर इधर बना सकता हूं। बात समझ में आ रही बच्चों? कुल मिला के जो हमारे यहां पे हैं 15 नंबर्स बेटा कंप्लीट हमारे यहां पर बन जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या अलग चीज थी, अब तक मैंने जितने क्वेश्चन कराए यहां पर मल्टीप्लाई 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 की बात हो रही है, हालांकि मल्टीप्लाई तो यहां भी हो रहा है, देखो थ्री इंटू टू, थ्री इंटू टू इंटू वन। तो देखो एक बात याद रखना, यहां पर जब भी कभी एंड आएगा तो याद रखिएगा हमेशा हमें मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं लिखा है तो एंड है, और इन सब सिचुएशन में बेटा हम लोगों को यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर कभी और आ जाए, और जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, या आ जाए, तो उस सिचुएशन में बेटा हम लोगों ने हमेशा क्या करना है, प्लस करना है। अब इसी चीज को बेटा मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा, चल जा भाई क्या हो गया। हाँ जी देखिए बेटा मैं इसी चीज को यहां पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जैसे हमें बनाना था थ्री डिजिट नंबर, तो फर्स्ट बॉक्स को भरने के लिए मेरे पास थ्री ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एंड देर आर टू ऑप्शंस अवेलेबल टू फिल सेकेंड एम्प्टी बॉक्स, देन वन ऑप्शन फॉर थर्ड बॉक्स। तो जब कुछ नहीं है या फिर एंड है तब तो मल्टीप्लाई ही लगना, ज्यादातर केस में मल्टीप्लाई ही लगता है, लेकिन जब भी कभी लगता है ना कि कोई काम ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, तो उस सिचुएशन में
ऐसा प्लस ऐसा। जैसे इसने बोला हाउ मेनी नंबर्स कैन बी मेड, अब इसने ये नहीं बोला कि कितने डिजिट नंबर, सो मैं मान के चलूंगा कि वो नंबर वन डिजिट वाला भी हो सकता है या टू डिजिट वाला भी हो सकता है या वो नंबर थ्री डिजिट वाला भी हो सकता है। तो बेटा इसलिए या तो या सही बन गया हमारा 15। जैसे ये किया ऐसे ही मैं आपको ना एक और ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूं भाई, ऐसी एक क्वेश्चन बेटा मैं आप लोगों को और करवाता हूं। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास कुछ कलर्स हैं, जैसे स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन करवाया था ना कलर से, मान लो रेड ग्रीन येलो ब्लू राइट। अब मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल फ्लैग्स टू कलर्स, फ्लैग में आना एक कलर ऊपर होगा एक कलर नीचे होगा ठीक है, दो कलर वाले कितने फ्लैग बनेंगे? आप बोलेंगे दो कलर वाले फ्लैग बनाने हैं तो ऊपर वाले कलर के लिए चार, नीचे वाले के लिए तीन, तो 12 फ्लैग बन जाएंगे। टोटल फ्लैग्स विद थ्री कलर्स, तीन रंगों वाले कितने फ्लैग बनेंगे? तीन रंगों वाले, तो आप बोलेंगे पहले कलर के लिए चार ऑप्शन, दूसरे के लिए तीन ऑप्शन, फिर दो ऑप्शन, चार तीन 12 × 24। फिर मैं पूछूं टोटल फ्लैग्स विद फोर कलर्स, तो आप बोलेंगे 4 3 2 1, तो यहां पर भी हमारे पास कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा ठीक है। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना, तुम्हें क्लियर बता दिया कि चार रंगों वाला, तीन रंगों वाला, दो रंगों वाला ठीक है। अच्छा टोटल फ्लैग भाई एक सिंगल रंग का भी झंडा हो सकता है तुम्हारे सामने बेटा, अगर एक लाल रंग दिखा दिया जाए तो भाई तुमने क्या बोल दिया? हाँ भाई ठीक है गाड़ी के सामने तुम लाल रंग दिखा रहे हो यानी स्टॉप है ना, व्हाइट कलर पीस के लिए हो गया है ना, इसी रेड कलर डेंजर के लिए हो जाएगा। टोटल फ्लैग्स विद वन कलर, तो एक रंग वाले चार झंडे बना सकते हो बेटा, या तो लाल रंग खड़ा कर दो सामने, ग्रीन येलो और ब्लू ठीक है। So, यहां तो आपके चार बन जाएंगे। अब मैं आपसे पूछ लूं टोटल कितने फ्लैग्स बन सकते हैं? टोटल फ्लैग्स, तो आप बोलेंगे टोटल फ्लैग्स का मतलब क्या है? टोटल फ्लैग में एक रंग वाले झंडे भी आते हैं, दो रंग वाले भी आते हैं, तीन रंग वाले भी हैं, चार रंग वाले भी हैं, तो सबको प्लस कर लो टोटल फ्लैग्स, तो 4 + 12 + 24 + 24 48 + 12 = 60 + 4 = 64। अगर मैं पूछ लूं टोटल फ्लैग्स विद एट लीस्ट टू कलर्स, विद एट लीस्ट टू कलर, भैया दो कम से कम दो रंगों का इस्तेमाल जरूर हुआ हो, अब बताओ टोटल कितने झंडे बन जाएंगे? तो देखो जब हम बोलते हैं एट लीस्ट, तो एट लीस्ट का मतलब इतना तो हो, उससे ज्यादा भी हो तो चलेगा ठीक है। सो बच्चे इस हिसाब से बेटा जब हम बोलते हैं कि ना कि हमें पास होने के लिए एटलीस्ट 33 मार्क्स चाहिए, तो एटलीस्ट 33 मार्क्स का मतलब क्या है कि तुम पेपर में 33 भी लाओगे तो भी पास हो, 33 से ज्यादा भी लाओगे तो भी पास हो ना यार। तो बेटा देखो यहां पर क्या है टोटल फ्लैग्स विद एटलीस्ट टू कलर्स, तो यानी कि कम से कम दो कलर यूज कर लो, तीन कलर भी यूज कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, दो कलर्स भी चलेंगे, थ्री कलर्स भी चलेंगे, फोर कलर्स भी चलेंगे, 5 कलर्स नहीं चलेंगे क्योंकि रंग ही मेरे पास चार हैं यहाँ पे टोटल। सो 2 कलर्स वाले बेटा हमारे पास हैं 12, 3 कलर्स वाले हैं 24, रंगे दे रहा 24, 48 और 12 ये हो जाएगा 60। सो 48 और 12 हमारे पास है 60, कुल मिला के बेटा 60 जो है झंडे हम यहाँ पर बना सकते हैं। और बोलते हैं टोटल फ्लैग्स, तो उसमें फिर 4 को भी इंक्लूड करोगे तो इससे हमारे 64 बन जाएंगे भाई। सो बेटा ऐसा है, मैं मान के चलो इतना बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। और देखो मैं आपको बुक दिखाता हूँ, किताब दिखाता हूँ, एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी में देखो यही आपको क्वेश्चन सिंपल इजी क्वेश्चन बेटा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं ये सब मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ भाई,
हिस्सा बेटा मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे करवा चुका हूँ। तो मैं मान के चलो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 7.1 हमारी यहाँ पर हो चुकी है खत्म। आप अपनी बुक को देखना, आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। सर पता भी नहीं चला क्वेश्चन करवा दिए, गलत बात है, बुक खुलवानी चाहिए। तो लो बेटा अब ये समझ में आ गया। अब बेटा मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा एक नोटेशन के बारे में। अरे बाप रे, हाँ जी। अब बेटा मैं यहां पर आप लोगों को बताना चाहूंगा एक नई चीज। एक फैक्टोरियल के नाम से एक नोटेशन देखिएगा बेटा। ये जैसे आप आई बनाते हो ना, तो आई को उल्टा कर लो, एक्सक्लेमेशन मार्क बेटा आप इसको बोल सकते हैं ना। तो ये बेटा हमारा है, इसको हम बोला करेंगे फैक्टोरियल। अब ये समझ लो किसी भी नंबर के आगे, अगर समझ लो ये सिंबल आ गया, फैक्टोरियल आ गया, तो इसका मतलब समझ लो उस नंबर की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उल्टी गिनती का मतलब क्या है? 3, 2, 1, 1 पे आके इसको रोक दिया जाएगा भाई। 3 × 2 × 1, सो हमारा जो आंसर बेटा ये बन जाएगा कितना? 6। मैं बोल दूं हमारे पास 5 फैक्टोरियल है, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जिस भी नंबर के आगे लगाओगे उस नंबर को बेटा समझ लो उसको भी लिखो, फिर उसके बाद उल्टा लिखना शुरू कर दो। सो 5 × 4 × 3 × 3 × 6 × 6 = 24, 120 बन जाएगा हमारा। ऐसी मैं लिख देता हूँ 8 फैक्टोरियल, तो 8 × 7 × 6 × अब देखो उसके बाद 5, 4, 3, 2 भी आएगा, बट मान लो मैं 5 पर इसको रोक देना चाहता हूँ। जहां पर भी आपकी रोकने की इच्छा हो, जैसे 5 पे रोकने की इच्छा थी ना, तो मैं आगे 5 फैक्टोरियल लिख दूंगा। बात समझ में आ रही बच्चों? अब देखो उसके बाद 8, 7, 56 और 6, ये हमारा 336 है, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आप लोगों ने ऑलरेडी लिखी हुई है 120। तो नेक्स्ट स्टेप पे मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, ठीक है बच्चों? अच्छा मान लो कभी हमारे पास लिखा हो 8 फैक्टोरियल अपॉन में लिखा हुआ है 6 फैक्टोरियल, तो यहां पर क्या है, हम 8 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 6 पर बेटा मैं इसको रोक दूंगा क्यों? क्योंकि मुझे नीचे 6 फैक्टोरियल नजर आ रहा है। अगर ये सेम है बेटा तो वो उससे कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर यहाँ पे 56 आ जाएगा बेटा। हमारा जो आंसर है इसमें कितना आ जाएगा? 56। ऐसी बच्चे मैं बोल देता हूँ हमारे पास ऊपर 10 फैक्टोरियल है, नीचे 3 फैक्टोरियल है, आगे 8 फैक्टोरियल है, और बोलते बताओ भाई इसको सॉल्व करके क्या आएगा। तो देखो जो 10 है, दिस इज 10 × 9 × 8, 8 पे रोकना बेटर है, नीचे 3 है, × 2 × 1, और जो 8 फैक्टोरियल उसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ ताकि इससे ये कैंसिल हो जाए। अब देखो 3 से ये कैंसिल 3, 2 से ये कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 5, 5 × 3 हमारा आंसर बेटा यहाँ पर बन जाएगा कितना? 15। सो ये हमारा देखो बन जाता है। अच्छा बस ये गड़बड़, अच्छा एक चीज और देखो मैं लिख देता हूँ, जैसे 6 फैक्टोरियल माइनस में 5 फैक्टोरियल, ये है बेटा। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ऐसे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो इस हिसाब से देखो 120 और 6 720, और वो है 120, ठीक है। और ये बन जाएगा हमारा आंसर कितना? 600। ये गलती मत करना ना कि अगर मान लो कभी लिखा हो जैसे 8 फैक्टोरियल और अपॉन में लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल, तो काट के आप लिख दो सीधा 2 फैक्टोरियल, बेटा ऐसे मत कर देना, ये हो जाएगा सरासर गलत, ठीक है, ऐसे नहीं करना। अच्छा मान लो मैं बोलूँ 3 फैक्टोरियल है और यहाँ माइनस का 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल, तुम इसको लिख के बैठ गए 1 फैक्टोरियल, तो भाई ऐसे भी नहीं चलेगा, ये भी क्या गलत है भाई, ऐसे नहीं कैंसिल कर सकते, ठीक है। हाँ जब सेम हो जाता है तब खत्म कर दो, ठीक है। बुक में बेटा क्वेश्चन आप लोग को देखेंगे, जैसे बोल देता है 1 upon 5 factorial + 1 upon 6 factorial, कहता है एक्स के अपॉन में यहाँ पर है 7 फैक्टोरियल, और अब आपसे बोल देता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बेटा हम लोगों को यहां पर फाइंड करनी है, तो क्या करें भाई? तो देखो ऐसा है ना, 5, 6 यहां पे है 7, तो आप क्या करेंगे, 5 को तो 5 रहने दो, जो 6 है उसको भी 6 × 5 लिख लो, 7 को 7 × 6 × 5 आप लिख लीजिए, और 5 पे रोक लो भाई। अब देखो लेफ्ट साइड से हमारा 5 फैक्टोरियल आ जाएगा कॉमन, तो बनेगा 1 + 1/6, वहाँ रहेगा x के अपॉन में 7 × 6, ठीक है बच्चे। सो वो 6 के आगे जो 5 भी है बेटा वो हमारा कैंसिल हो रहा है ना इससे,
ये हमारा हो रहा है इससे कैंसिल। अब देखो छः एकम छः और एक सात के बट्टे में छः, सात इंटू छः, छः से छः कैंसिल और हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 49। सो ये बेटा इस प्रकार से ये हो जाता समाप्त। ये बेटा आपको समझ में आया होगा, मैं इस बात को मान के चल रहा हूँ। इतना होता है भाई, इतना होता है। तो अब जो है बेटा, अब जो है बच्चे यहाँ पर एक बात देखिएगा, जैसे अगर मैं बोलूँ 4 factorial को डिवाइड करें 4 से, तो इस हिसाब से बेटा, इस हिसाब से बच्चे यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है, जैसे 4 है तो 4 factorial का मतलब 4 × 3 factorial अपॉन में 4, तो 4 से 4 कैंसिल और ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 3 factorial। ऐसे ही मैं बोलूँ 3 factorial को डिवाइड कर दें हम 3 से, तो ये बनेगा कितना, 2 factorial। ऐसे भाई जैसे मैंने आपको ये बताया ना बेटा अभी कि हमारा, जैसे हमारा बेटा अभी यहाँ पे क्या है कि जैसे 3 factorial था तो 3 × 2 × 1 था, 5 factorial तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 है। ऐसी बाई चांस अगर मान लो कभी लिख दे n factorial, तो इसका मतलब क्या होगा, n फिर n-1 फिर n-2 एंड ऐसे ही ।। जैसे 3 factorial लिखा था तो पहले मैंने 3 लिखा, फिर 3 में से बेटा मैंने यहाँ पे देखो 1 माइनस किया, फिर 3 में से मैंने 2 माइनस किया। ऐसे 5 factorial के देखो यहाँ 5 है, ये 5-1 है, ये 5-2 है, ये 5-3 है। तो ऐसे अगर n factorial लिखूं तो शुरुआत n से करनी है, n, n-1, n-2 ऐसी ।, और रुकना कहाँ पर है, जब तक 3, 2, 1 ना आ जाए। यही चीज़ अगर मान लो 2n का factorial हो, 2n का factorial, यही चीज़ बेटा अगर 2n का factorial आ जाए तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले 2n लिखेंगे, फिर 2n में से 1 माइनस करो, फिर इसमें से एक और माइनस करो तो 2n-2 हो जाएगा, फिर इसमें से एक और माइनस करो ये 2n-3 हो जाएगा एंड ऐसी 3, 2 एंड 1 पे जाके बेटा आप लोगों ने इसको रोक देना है। यही चीज़ अगर मैं बोलूँ हमारे पास n+1 का फैक्टोरियल आ जाए, ये आ जाए भाई, तो क्या करेंगे, आप बोलेंगे पहले n+1 लिखेंगे, n+1 में से एक घटाओ, 1 माइनस करो तो आप बोलेंगे n आ जाएगा, फिर इसमें से एक माइनस करो n-1, फिर इसमें से एक माइनस करो n-2 एंड ऐसे ।, 3, 2 एंड 1, ये बेटा हम लोग को यहाँ पर इधर मिलेगा। ये चीज़ अगर मान लो 2n+3 होता और आगे फैक्टोरियल होता तब क्या करेंगे, तो पहले 2n+3 लिखो, इसमें से एक माइनस करो 2n+2, फिर एक माइनस करो 2n+1, फिर 2n, फिर 2n-1 एंड ऐसे जब तक 3, 2, 1 ना आ जाए तब तक भैया ऐसे मल्टीप्लाई करते रहो, ठीक है। तो सेम चीज यहां पर बेटा मैंने बोली है कि 4 factorial को 4 से डिवाइड किया तो 3 factorial आया। मैं बोलूं n+1 factorial को n+1 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब क्या है, n+1 का n+1, फिर इसमें से माइनस किया n और यहां पे रोक दो, अपॉन में क्या है n+1, तो आप देखेंगे इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा बेटा n factorial। तो भाई हम बोल रहे हैं n+1 factorial को डिवाइड करोगे n+1 से तो हमारे पास बचता है n का factorial। अच्छा ठीक है, मैं बोलूं n factorial को डिवाइड करो n से, n factorial को डिवाइड करो n से, तो यहां पर इस सिचुएशन में क्या मिलेगा, तो भाई देखो ऐसा है n factorial यानी n, n-1 और रोक दो इसको यहीं पर ही रोक दिया बेटा मैंने इसको, अपॉन में क्या है n, तो n से n कैंसिल, हमारे पास बचा क्या n-1 का factorial। तो भाई एक रूल बन गया कि जब भी कभी n factorial को n से डिवाइड करेंगे तो उस सिचुएशन में जो हमें आंसर मिलेगा वो n-1 का factorial हुआ करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं बोलूं n की जगह 5 तो 5 factorial के अपॉन में 5, तो 5-1 4 factorial। मैं बोलूं n की जगह 3 तो 3 factorial के अपॉन में 3, तो 3-1 ये हमारे लिए बन जाएगा 2 factorial। अच्छा मैं n की जगह 1 पुट कर दूं, 1 factorial के अपॉन में 1 factorial के अपॉन में 1, तो ये 1-1 का आ गया एक factorial और 1 factorial की वैल्यू तो 1 ही होती है, और 1-1 ये बन जाएगा हमारे लिए क्या 0 factorial। सो ये एक चीज़ है बेटा जो आप लोगों को याद रखनी है, हमारे 0 factorial की जो वैल्यू हुआ करती है वो इतनी होती है। इसको इसको इसको
याद रखने की ऐसी जरूरत है नहीं भाई, मतलब हाँ क्योंकि याद रखने की जरूरत क्यों, क्योंकि इनफेक्टिव को एन से डिवाइड करोगे तो भाई इसी को कैलकुलेशन कर ही लेना ना, या अलग से क्या याद रखना है इस चीज़ को। बट हाँ जो मेन चीज जो है जो आपको याद होनी चाहिए वो क्या है कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी वन हुआ करती है बेटा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे। तो बच्चे अब ऐसा है, यही चीज़ें यहाँ पर देखो एक्सप्लेन करी गई हैं, एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, ठीक है। तो ये चीज़ देखना भाई लोग, ये बेटा मैंने आप लोगों को भी बताया सब, देखो ये क्वेश्चन भी हमने आपको अभी करवाया बेटा, है ना, जैसे मैंने वैल्यूज अलग रखी थी ऐसे ही बच्चे ये सब हमने बेटा अभी किया है, इवेलुएट वगैरह। हमें चेक करना है कि क्या थ्री फैक्टोरियल और फोर फैक्टोरियल को प्लस करके सेवन फैक्टोरियल आता है, तो आपको आंसर मिलेगा नहीं, ऐसे नहीं आता यार। ओके सो ये भी हो गया, ये भी हमने कर लिया है। सो गाइज इसी तरह बेटा यहाँ पर जो है हमारी सेकेंड एक्सरसाइज 7.2 वो भी खत्म हो रही है। फैक्टोरियल बेटा मैंने आप लोगों को बता दिया, और अब मैं बताने वाला हूं डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब जरा इसको एक्सप्लेन करेंगे भाई, चलते हैं आगे की तरफ। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, फैक्टोरियल का मीनिंग मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, और अब बारी है समझने की बेटा कि परम्यूटेशन का मतलब क्या है और कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या है, परम्यूटेशंस का मीनिंग क्या है और कॉम्बिनेशंस का मीनिंग क्या है। अब ये चीज बेटा हम लोगों को यहां पर समझनी है। तो देखिए बच्चे ऐसे है कि जब हम बोलते हैं ना परम्यूटेशन, तो परम्यूटेशन सुनते ही समझ जाओ कि यहां पर है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स वेयर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इंपॉर्टेंट। जो एलिमेंट्स का ऑर्डर हुआ करेगा भाई वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन, तो यहां पर क्या भाई, यहां पर है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स वेयर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब अगर एक बार समझिएगा, जैसे कि बच्चे मैं आपके सामने मैं क्वेश्चन रखूं बेटा कि हमारे कोई तीन दोस्त हैं, एक का नाम है ए से, एक का नाम है बी से और एक का नाम है सी से। ये तीनों एक रेस में हिस्सा लेते हैं, तीनों एक रेस में हिस्सा लेते हैं, तो तीनों की जो पोजीशंस हैं वो क्या क्या हो सकती है, क्या पता ए फर्स्ट आ जाए, बी सेकंड आ जाए और सी थर्ड आ जाए। मानते हैं इन तीन एलिमेंट को मैंने अरेंज किया, अरेंजमेंट है ए बी सी, क्या पता ए फर्स्ट आए, सी सेकंड आए और बी थर्ड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा क्या पता बी फर्स्ट आए, ए सेकंड और सी थर्ड, या फिर बी सी ए, ये भी हो सकता है। अच्छा सी ए बी हो सकता है या सी बी ए हो सकता है। तो देखो इस सिचुएशन में ए फर्स्ट है, बी सेकंड है, सी थर्ड है। आप ये नहीं बोल सकते कि ए बी सी और बी सी ए दोनों एक ही चीज है, आप इन दोनों को सेम नहीं बोल सकते, दोनों इक्वल नहीं है भाई, दोनों अनइक्वल है। क्योंकि यहां पर ए फर्स्ट आया और उस सिचुएशन में बी फर्स्ट आया, दोनों ही परिस्थितियां एकदम अलग है यार। तो यहां पर इन दोनों देखो एलिमेंट यहां पर भी एबीसी है, एलिमेंट वहां पर भी एबीसी है, बट क्या चीज डिफरेंट है, तो आप बोलेंगे यहां ऑर्डर का फर्क है भैया, इधर ऑर्डर कुछ और है, क्रम यहां ऑर्डर कुछ और है, वहां पे ऑर्डर कुछ और ही है। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है भाई, तो ऑर्डर अगर है बेटा डिफरेंट, ठीक है, अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो हम बोलेंगे कि ये सब जो चीज हमने लिखी है ना एबीसी एसीबी बीएसी बीसीएसी एबीसी बीए, तो ये सब बेटा हमारे लिए क्या है, दे ऑल आर डिफरेंट परम्यूटेशंस। इन सब को भाई मैं क्या बोलूंगा कि ये सब हमारे लिए क्या है, ये सब हमारे लिए परम्यूटेशंस हैं, परम्यूटेशंस। ऐसे ही बच्चे मैं आपके सामने एक वर्ड रखता हूं, वर्ड, और ऑब्वियसली वर्ड का कुछ ना कुछ तो मीनिंग होता है ना, ठीक है, शब्द शब्द, ठीक है। अब इसमें अगर मैं डी को पहले लिख दूं और ओ को बाद में, फिर डी और फिर ओ फिर आर, ऐसे लिख दूं, तो एक नया वर्ड बन गया, एक नया वर्ड बन गया। अब इसका इस अंग्रेजी वर्ड का मीनिंग है भी कि नहीं है वो मुझे नहीं मालूम, पर जो भी है ये वो था वर्ड और ये कुछ और ही है।
इसका मीनिंग कुछ डिफरेंट होगा भाई, ठीक है। तो हुआ क्या है, एलिमेंट तो सेम ही है, एलिमेंट तो सेम ही है, बस हमने ऑर्डर, एलिमेंट्स के ऑर्डर को बदल दिया, और ऑर्डर के बदल देने से बेटा हमारा जो वर्ड है वो ही बदल गया भाई। तो बच्चे ये भी क्या है, ये एक परम्यूटेशन है। तो ये हो गया परम्यूटेशन। मैं आपसे बोलता हूं भैया कि आपकी क्लास में कोई पांच बच्चे हैं, एक का नाम रमेश, एक का नाम सुरेश, एक का नाम अब्दुल, एक का नाम टिंकू और एक का नाम पिंकू, ठीक है जी। ये पांच लोग हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि भैया हम पांचों में से कोई एक को हम क्लास का मेन मॉनिटर बनाएंगे, क्लास का सीआर होगा, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, और जो दूसरा होगा वाइस सीआर, वो हमारा वाइस रिप्रेजेंटेटिव होगा। एक को प्रेसिडेंट बनाएंगे, दूसरे को वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे भाई, ठीक है। अब देखो, पहले मैं जिसको चूज करूंगा वो प्रेसिडेंट बनेगा, जो बाद में सेलेक्ट होगा वो हमारे लिए वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। अब सोचो, मैं पहले आर का नाम लिखूं और बाद में एस का नाम लिखूं, इसका मतलब ये प्रेसिडेंट बना है और वो वाइस प्रेसिडेंट बना है। मैं पहले एस का नाम लिखूं और बाद में मैं आर का नाम लिखूं, तो इसका मतलब इस बार एस प्रेसिडेंट बना है और आर जो है वो एक वाइस प्रेसिडेंट बना है। तो बताओ, क्या आप आर एस और एस आर, क्या आप दोनों को सेम चीज बोलोगे? क्या ये दोनों सेम सिचुएशन है? आप बोलोगे नहीं, दोनों ही अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग परिस्थितियां। जिसका नाम पहले आ जाएगा वो प्रेसिडेंट है, जिसका नाम बाद में आएगा वो वाइस प्रेसिडेंट है। तो तुम इनको सेम कैसे बोल सकते हो? दे आर नॉट सेम। तो यहां पर भाई लोग आप क्या देख रहे हो, ये जो चीज बड़ा हमारे सामने यहां पे, ये है क्या, परम्यूटेशन। ऐसी आर एस एस आर और क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, आर एस आर ए आर टी आर पी, ऐसी एस एस आर एस ए एस टी एस पी। बात समझ में आ रही है भाई? ऐसी मैं और क्या क्या लिख सकता हूं, ए आर ए एस ए टी ए पी, ठीक है। फिर ऐसी टी आर टी एस टी ए टी पी, देन ऐसी पी आर पी एस पी ए एन पी टी। तो देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, 20 परम्यूटेशंस यहां पर बन गए, 20। तो भाई लोग, मेरे ख्याल से परम्यूटेशन आप लोग समझ पाए होंगे। अब परम्यूटेशन को थोड़ा और क्लियर करते हैं। ये सब एग्जांपल हैं किस चीज के, ये सब बड़े जो एग्जांपल मैंने लिखे हैं ये सब हमारे लिए क्या है, ये सब हमारे लिए परम्यूटेशन है भाई, ये सब हमारे लिए यहाँ पे परम्यूटेशन है भाई, ठीक है। ये सब परम्यूटेशन हो गए। अब मैं बोलता हूं भाई कि हमारे सामने ना एक ट्राइंगल है एबीसी, एबीसी। अब मुझे बताओ, क्या इस ट्राइंगल को हम एबीसी, एसीबी, बीएसी, बीसीए, सीएबी, सीबीए, ये सब लिखें तो क्या ट्राइंगल कुछ डिफरेंट हो जाएगा? जैसे ये जो एबीसी है, अगर मैं इसको एबीसी ना लिखकर एसीबी बोलूं तो क्या कोई गड़बड़ है, कोई दिक्कत है भाई? बोले नहीं सर, ट्रायंगल तो वही रहेगा। मैंने बोला कि अगर मैं इसको एबीसी ना बोलकर मैं इसको बीएसी बोलूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बीसीए बोलूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीएबी बोलूं या सीबीए बोलूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर तुम एलिमेंट को आगे पीछे कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला भाई। मैं आपके सामने बोलता हूं, एक लाइन है, यह है पी, यह है क्यू। अब मैं इसको पी क्यू बोलूं या क्यू पी बोलूं, बात तो एक ही है ना भाई। जैसे ये सब चीजें एक हैं, ये सब एक हैं, तो इन्हें बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन है तो भाई यहां पे सिक्स अरेंजमेंट्स, बट वो सिक्स अरेंजमेंट्स डिफरेंट नहीं, दे ऑल आर सेम। तो इसलिए बोले कि एक ही कॉम्बिनेशन है भाई, ये बोल लो, ये बोल लो, ये बोल लो, बात अलग नहीं है, बात सेम है। ऐसी यहां पर इसको पी क्यू बोल लो या क्यू पी बोल लो, ये डिफरेंट नहीं है भाई, दोनों ही चीजें यहां पे सेम है। और ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए बेटा यहां पे क्या है, कॉम्बिनेशंस। पहले वाले में और अब वाले में डिफरेंस क्या रहा, डिफरेंस ये रहा भाई कि वहां पर एलिमेंट्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट था, यहां पर एलिमेंट्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। मेन सारा खेल जो है भाई, वो सारा खेल ही यहां पर ऑर्डर का है। ऑर्डर अगर इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स को आगे पीछे करने से अगर कुछ नई चीज बन रही है तो वो परम्यूटेशन है। एलिमेंट्स को आगे पीछे करने से कोई नई चीज नहीं बन रही, सेम चीज बन रही है, तो उस सिचुएशन में वो कॉम्बिनेशन है भाई, ठीक है। मैं आपके सामने बेटा कुछ बच्चों के नाम लिखता हूं, अमन, अमन, चमन,
सुरेश और टिंकू, चार बच्चों के नाम बेटा हमने आपके सामने लिख दिए हैं। और इस क्लास में इन चार बच्चों में से मैंने दो बच्चों को क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, सीआर बनाना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक बड़े लेवल पे दूसरा छोड़, नहीं, दोनों सेम लेवल पे हैं भाई, ठीक है। अब सोचो जरा, मैं ए एंड सी को सेलेक्ट कर सकता हूं, अमन को और चमन को, सही बात है। ऐसी मैं ए एंड एस को सेलेक्ट कर सकता हूं, भाई इन दोनों को क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बना दो। ऐसी मैं ए एंड टी को भी सेलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, क्या मैं सी एंड ए को सेलेक्ट करूं तो कुछ अलग बात होगी? तुम बोलोगे नहीं सर, दोबारा क्यों लिख रहे हो, ए और सी का नाम तो पहले आ चुका है, तो सी और ए क्यों लिखोगे, है ना, ये लिख के कुछ फायदा नहीं है ना। बात तो वही है, अल्टीमेटली अमन और चमन ही तो सेलेक्ट हो रहे हैं भाई, है ना। तुम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बोलो या ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया बोलो, भाई मैच तो उन दोनों का ही होना है ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये नहीं चलेगा भैया, ऑर्डर जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दो लोगों को सेलेक्ट कर लो। अच्छा ठीक है, ठीक है, सी एंड एस हो सकता है, सी एंड टी हो सकता है। अब देखो एस ए तो ऑलरेडी आ गया, एस सी भी ऑलरेडी आ चुके हैं, एक ऑप्शन बच गया एस एंड टी। तो एक दो तीन चार पांच छह, तो छह कॉम्बिनेशंस बेटा यहां पर हमारे सामने इधर बन गए हैं भाई। तो ये होता है भाई कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता है। जब परमुटेशन बोलेंगे तो वहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बच्चों, कमेंट करके जरूर बताना भाई। तो अब देखो भाई ऐसा है ना, तो यहां परमुटेशन में बेटा अब हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला है बच्चे कि अगर मान लो हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं एन, टोटल ऑब्जेक्ट्स कह लो, टोटल एलिमेंट्स कह लो, इनकी जो संख्या है वो है एन, ठीक है, एंड वी आर यूजिंग एलिमेंट्स यूज्ड एट अ टाइम, एलिमेंट्स टेकन एट अ टाइम, एट अ टाइम। तो इस सिचुएशन में बेटा एन पी आर, इसको लिखने का तरीका होता है एन पी आर, और फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अच्छा क्या मतलब है इसका, अभी समझाता हूं। ऐसी सेम चीज, एन का मतलब टोटल एलिमेंट्स, आर का मतलब एलिमेंट्स टेकन एट अ टाइम। यहां पर फॉर्मूला हमारे पास एन सी आर, कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, तो आप बोलेंगे एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, इतना तो सेम है, एन एन माइनस आर इतना तो सेम है। एक एक्स्ट्रा चीज क्या आ जाती है इसमें, इसके अपॉन में एक अलग से आर का फैक्टोरियल आया करता है भाई। ये हमारे सामने बेटा इसका फॉर्मूला है जो आप लोगों को रखना है याद। सर देखिए ऐसा है ना, जैसे मैंने अभी बेटा आपको बोला कि एक दो तीन चार पांच टोटल एलिमेंट्स है मेरे पास पांच, ठीक है, और मुझे ग्रुप बनाना है दो दो एलिमेंट्स का, मुझे परम्यूटेशन चाहिए दो दो एलिमेंट्स की, दो एलिमेंट ऐसे दो दो एलिमेंट करके अगर मैं परम्यूटेशन बनाना चाहूं तो कितनी परम्यूटेशन बनेंगी? तो आप बोलेंगे सर 10 ये हैं और ये 10 ये हैं, तो 10 और 10 20 परम्यूटेशन हमारी बन जाएंगी। तो मैंने बोला इसको फॉर्मूले से फाइंड करो, तो आपने बोला टोटल एलिमेंट मेरे पास पांच है और हमें ग्रुप बनाना है दो दो का, तो हमें पांच एलिमेंट्स में बेटा परम्यूटेशन चाहिए दो दो एलिमेंट्स की, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो फॉर्मूला है हमारे पास क्या, एन पी आर, एन का फैक्टोरियल ऊपर और एन और आर का जो डिफरेंस है वो नीचे, तो बेटा हमारा 5 का फैक्टोरियल ऊपर, 5 और 2 का जो डिफरेंस है वो नीचे, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 पे रो का, और नीचे भी हमारे पास 3 फैक्टोरियल है, ये हो गया कैंसिल, और हमारा जो आंसर है वो देखो वो आ गया हमारे पास 20 आंसर आ गया बेटा 5P2। ऐसी क्वेश्चन देखिए, तीन एलिमेंट है, एक दो तीन, तीन एलिमेंट है बेटा मेरे पास यहां पे, ठीक है। तो बच्चे इस सिचुएशन में मैं आपसे बोलता हूं तीन एलिमेंट है और मैं यूज कर रहा हूं तीनों एलिमेंट, एक बार में तीनों के तीनों एलिमेंट यूज कर लो, तो तीन एलिमेंट 3p3, तो आप बोलेंगे 3 फैक्टोरियल, 3 में से 3 माइनस करना है बेटा, डिनोमिनेटर में क्या आता है n में से r माइनस करना है, n माइनस r का फैक्टोरियल हमारा ये नीचे आ जाया करता है भाई, ठीक है। तो बेटा देखो 3 में से 3 माइनस किया तो नीचे 0 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1,
तो 3 फैक्टोरियल बचेगा। और इस बात को याद रखिएगा, जब भी दोनों सेम हो, 4p4 होता तो आंसर 4 फैक्टोरियल आ जाता, 5p5 होगा तो वहां 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, 6p6 होगा तो वहां 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, 3p3 है तो वहां 3 फैक्टोरियल आया, 3 × 2 × 1। और हमारा जो आंसर है बेटा, हमारा आंसर इसमें कितना बन गया, हमारा आंसर बन गया बेटा इसमें 6। तो बच्चे ये हमारा जो है, ये हमारा परमुटेशन का फॉर्मूला है। सेम चीज कॉम्बिनेशन में बेटा हमारे लिखती है, देखो यहां पे देख सकते हैं हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट है, कॉम्बिनेशन बनाना है दो दो एलिमेंट्स का, मुझे दो एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहां पर आप कॉम्बिनेशन यूज करोगे। तो बेटा मैंने बोला 4 फैक्टोरियल, 4 में से माइनस करो 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, और इस 2 को आप यहां अलग से यहां पे नीचे लिखेंगे, तो लो जी ये आ गया। देखो फॉर्मूला देख सकते हैं ध्यान से, यहां पे एनसीआर जब भी होगा तो एन का फैक्टोरियल ऊपर रहेगा, एन और आर का डिफरेंस नीचे आ जाएगा, और ये आर फैक्टोरियल इसको यहां लगा लोगे भाई। तो इस हिसाब से बेटा हमारा 4 फैक्टोरियल ऊपर रहेगा, 4 माइनस 2 2, और ये 2 यहां पे अलग से रहेगा, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1, 4 माइनस 2 यानी 2, ये कैंसिल, 4 × 3 = 12, 12 के बट्टे में 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा 6। 1 2 3 4 5 6, 6 हमारा बेटा यहां पे देख सकते हैं, 6 टोटल कॉम्बिनेशन यहां पे बन भी रहे हैं। बाकी इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे वो दिखेंगे 7.4 में करवाऊंगा, पहले 7.3 बताऊंगा। अब जरा देखिएगा ये जो फॉर्मूला बच्चे मैंने आप लोगों को बताया है, ये कब के लिए है भैया, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड। क्योंकि देखो जरूरी नहीं आप इस फॉर्मूले को लगाओ, फॉर्मूले को लगाने की जरूरत नहीं है भाई। जैसे देखो मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है मेरे पास, मुझे सेलेक्ट करने 2, ठीक है, इट मींस मुझे 2 बॉक्स भरने हैं। पहले बॉक्स के भरने के लिए बेटा मेरे पास 5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, दूसरे बॉक्स के लिए मेरे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 5 × 4 सीधा मेरा आंसर 20 आ जाएगा, ठीक है। सो ये सिचुएशन कब के लिए होगी, ये फॉर्मूला कब के लिए हो गया, मतलब एक प्रकार से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो बेटा मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी ना, तो वहां पे हम जो भी आंसर जो निकाल रहे थे वो परम्यूटेशन ही था, वो परम्यूटेशन ही था, ठीक है। बस मैंने परम्यूटेशन को निकालने के लिए एक फॉर्मूला बेटा मैंने आपके सामने यहां पर अब रख दिया है, और उसका भी हम यूज किया करेंगे कभी कभी, और ना करना चाहो तो सीधा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी सीधा लगा सकते हैं भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और ये याद रखना फॉर्मूला जब ये लगता है तो इसका मतलब होता है कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड, ओके। सो अब देखो एक काम करते हैं, अब आपकी बुक से कुछ क्वेश्चन बेटा मैं आप लोगों को करवाता हूं यार, आपकी बुक से बच्चे मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं 7.3 से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले देखते हैं 7 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 और इसका देखेंगे हम लोग फर्स्ट पार्ट। देखिए क्या बोला गया बेटा इसमें, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ इफ 5 × 5pr दिस इज इक्वल टू 2 × 6pr − 1, ठीक है। तो अब देखो ऐसा है ना, फॉर्मूला क्या था, 5pr है फॉर्मूला, आप लोगों ने कॉपी में लिख लिया होगा, 5 का फैक्टोरियल इधर आ जाएगा, ठीक है, 5 में से माइनस करना है इस r को और बाहर इसके फैक्टोरियल आ जाएगा, इक्वल टू में 2 × 6 का फैक्टोरियल ऊपर रहेगा, 6 में से माइनस करना है इस r − 1 को और यहां पे बाहर इसके फैक्टोरियल भी आ जाएगा बेटा, ठीक है। सो देखो ये बन जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल 5 माइनस r का फैक्टोरियल 2 × 6 फैक्टोरियल, तो 6 × 5 अपॉन में, देखो 6 माइनस का r है, 6 और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये 7 बन जाएगा, 7 माइनस आर का फैक्टोरियल हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे आप देखेंगे 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल, और उस 7 माइनस आर को लेफ्ट में ले आओ, 7 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस आर इक्वल टू में 2 × 6। तो यहाँ पर देखिए बेटा अब ऐसा भाई 7 माइनस आर जो है उसको लिख लेते हैं, 7 माइनस आर 6 माइनस आर 5 माइनस आर, यहां पे रोक लो,
ठीक है, ये आपको पता होगा ना बेटा, 7-r मैंने बताया था, तो इसको हम अगर एक्सपेंड करेंगे तो इसमें से 1-1 माइनस करते रहो, तो 7-r से 1 माइनस किया 6-r, उसमें से 1 माइनस किया 5-r, अपॉन में क्या है 5-r इक्वल टू में बेटा हमारे पास कितना चल रहा है, इक्वल टू में चल रहा है 12, और इससे ये हो जाएगा कैंसिल कैंसिल। और अब जो है इसको सॉल्व करना भाई, इस चीज को बेटा आप लोग सॉल्व करना चाहते हो तो एक तरीका तो क्या है, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, है ना, 7 × 6 = 42 माइनस 7 - 6 प्लस आर स्क्वायर माइनस 12 = 0, आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस का 30 = 0, और इस 10 और 3 इसके फैक्टर बन जाएंगे, r माइनस 3 r माइनस 10, r की एक वैल्यू 3 आ जाएगी, r की एक वैल्यू 10 आ जाएगी, तो r की एक वैल्यू 3 है, r की एक वैल्यू 10 है, और बेटा देख सकते हैं ऐसे है ना, 10 को आप यहां पुट नहीं कर सकते, 10 को यहां रख दिया तो 5 - 10 ये नेगेटिव में फैक्टोरियल आ जाएगा, तो वो नहीं होने देना भाई, हम उसको रिजेक्ट कर लेंगे, हम r इक्वल टू 3 यहां पर बेटा एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि 3 को यहां पुट कर लो या फिर वहां पुट कर लो कोई दिक्कत नहीं है, 10 नहीं पुट कर पाओगे, ये जो नंबर है वो उससे बड़ा थोड़ी हो सकता है, इक्वल आ सकता है ना, बड़ा नहीं हो सकता, तो इसलिए 10 को रिजेक्ट किया। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने ऐसे किया है, हमारे पास 7 - r 6 - r इक्वल टू में 12 है, तो एक तरीका क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस नंबर में और इस नंबर में, एक और तरीका बता रहा हूं, डिफरेंस दोनों में कितने का है, डिफरेंस है 1, एक का डिफरेंस है, तो इस 12 के भी ऐसे फैक्टर सोचो जिसमें डिफरेंस 1 का हो, तो आप बोलेंगे सर ऐसे फैक्टर 4 और 3 हो सकते हैं, 4 और 3, ये बड़ा नंबर है वो छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है वो छोटा नंबर है, बड़े को बड़े के इक्वल रख लो तो R3 आ जाएगा, छोटे को छोटे के इक्वल रख लो, R की वैल्यू तब भी हमारे पास 3 आ जाएगी, तो हालांकि दोनों सिचुएशन में आंसर सेम ही आना है, तो आप किसी एक को भी यूज करके अपना आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं भाई, R हमारा निकल चुका है 3। ओके सर, ठीक है, अब जैसे ये किया है इसके जैसे देखो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर सिक्स अब देखिए बच्चों, यहां पर क्या है कि n माइनस 1 इतने एलिमेंट्स हैं, p नीचे 3 है, रेशियो n p 4 है, इक्वल टू में 1:9 है बेटा हमारे पास, ठीक है, n माइनस 1 p 3 रेशियो n p 4 इक्वल टू में 1:9 है। ओके सो अब बेटा ऐसा है, हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ऐसा है n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में, उस n माइनस 1 में से माइनस करेंगे इस 3 को, और ऊपर यहां पे फैक्टोरियल आ जाएगा, यहां फैक्टोरियल आ जाएगा, रेशियो यहां पे n फैक्टोरियल, n में से माइनस करेंगे 4, ये 1:9 ये बन जाएगा 9। ओके अब देखो ऐसा है, ये है हमारे पास n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये है n माइनस 4 का फैक्टोरियल, रेशियो है बेटा, मगर मल्टीप्लाई लगा दूं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, n माइनस 4 ऊपर आ जाएगा और हमारा n फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, ये 1/9 बन जाएगा, तो यहाँ पे n माइनस 4 से ये n माइनस 4 कैंसिल, और हमारे पास बच रहा है n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में बच रहा है n फैक्टोरियल, और इक्वल टू में है 1/9, राइट। मैं बोलूँ कि इस n फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लेते हैं, n और n माइनस 1 लिख लेते हैं, n माइनस 1 पे रोक के अब देखेंगे इससे ये कैंसिल, और ये n जो है बेटा वो इक्वल टू आ जाएगा, ये n इक्वल टू बेटा हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। सो ये भी बेटा हमारा इस प्रकार से हो जाएगा समाप्त। तो ये बातें बेटा याद रखना, ये बातें भाई याद रखना। तो बच्चों इसमें अब मैं आप लोगों को एक और बात इसमें बताना चाहूंगा कि अगर कभी आपके पास कभी इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए कि 1 की मल्टीप्लाई हो 1 फैक्टोरियल के साथ, 2 की मल्टीप्लाई हो 2 फैक्टोरियल के साथ, 3 की मल्टीप्लाई हो 3 फैक्टोरियल के साथ, एंड ऐसे ही n की मल्टीप्लाई हो n फैक्टोरियल के साथ, तो याद रखिए इसकी जो वैल्यू सॉल्व करके आती है वो इक्वल टू हुआ करती है n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1। इसे बेटा एक नियम के तौर पर याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है एक नंबर में बेटा आप लोगों को कोई क्वेश्चन देखने को इसमें मिल जाए यार। जैसे फॉर एग्जांपल जरा देख लो, जैसे मैं आपसे बोलूं 1 × 1 फैक्टोरियल प्लस 2 × 2 फैक्टोरियल प्लस 3 × 3 फैक्टोरियल, देखो इसको सॉल्व करके आएगा कितना,
ये रहेगा 1, 2 का फैक्टोरियल होगा इसमें 2 इंटू 2 4, 3 का फैक्टोरियल 6 इंटू 3 विल बी 18, और 18 प्लस 4 प्लस 1 दिस इज 23। और जो 23 होता है बेटा वो 4 का फैक्टोरियल माइनस 1 होता है। देखो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, में से एक माइनस करो 23 आ जाएगा। और मान लो मैं इसी में ही 4 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख दूँ, तो अब देखो इसमें हमें 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24 इंटू 4 96, और 96 में हम प्लस करेंगे 400, ये बनेगा 119। और 119 जो है बेटा दिस इज 5 फैक्टोरियल माइनस 1। तो भाई लोग यहाँ पे देखो आखिरी नंबर क्या है, आखिरी नंबर था 4, तो आपने 5 फैक्टोरियल में से एक माइनस करना है। ऐसी बेटा मैं आपसे बोलूँ कि भाई हमने 1 इंटू 1 फैक्टोरियल किया, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल किया, एंड सो ऑन, ऐसी हम 19 इंटू 19 फैक्टोरियल तक हम चलते रहे, इतना हम लोग गए। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, आपके सामने चार ऑप्शन ए बी सी डी में आ जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या जवाब देना है, 19 से एक ज़्यादा 20 फैक्टोरियल, और उसमें से माइनस कर देना कितना 1। सो n तक है तो बेटा n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस में 1, इस बात को याद रखना भाई, ठीक है। ये फैक्टोरियल का एक रूल हो गया, ठीक है। ओके बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे बेटा। अब देखिए आपकी जो बुक है यहाँ पे क्वेश्चन है जैसे हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी मेड फ्रॉम 1 to 9। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, थ्री डिजिट इवन नंबर, तो यहाँ पे आप सिंपली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा लेना, आपका आंसर बन जाएगा यार, ठीक है। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जरा इसकी तरफ देखते हैं भाई एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो बेटा बोलता है कि, हाँ जी देखिएगा ध्यान से, लो जी बच्चे कह रहा बेटा कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे, ठीक है। पहले पार्ट में, अच्छा नो लेटर इज रिपीटेड इफ, पहले पार्ट में कहता कि 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। देखो टोटल 4 लेटर्स वर्ड, 4 लेटर वाले हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं भाई। तो देखो टोटल 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 6 एलिमेंट हैं और मुझे एक बार में यूज कितने करने हैं, मुझे यूज करने हैं 4। तो इसका फॉर्मूला यूज करो, 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल, सॉल्व करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन में रहेगा 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा कैंसिल। तो 6 5 30 और 4 3 12, 12 इंटू 3 ये बन जाएगा 360। ये हमारा बन गया फर्स्ट पार्ट, 360 बेटा हमारा जो है इस क्वेश्चन का बन जा रहा है यहाँ पे आंसर 360, ठीक है। ऐसी, अच्छा आपको ये लगाने की जरूरत नहीं थी, आप सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा सकते हो। ये समझ लो कि आपने 4 बॉक्स भरने हैं, 4 बॉक्स आपको भरने हैं, तो पहले बॉक्स के लिए 6 ऑप्शन है, अगले के लिए 5, अगले के लिए 4, अगले के लिए 3, ऐसे भी कर सकते हो। सेकेंड पार्ट में क्या बोलता है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, एक बार में सारे ही लेटर यूज कर दो, टोटल वर्ड्स। अब देखो ऑल लेटर यूज कर रहे हैं यानी कि 1 2 3 4 5 6, टोटल वर्ड्स विद 6 लेटर्स, 6 लेटर्स वाले टोटल कितने वर्ड हो जाएंगे। तो आप बोलेंगे 6 एलिमेंट है और 6 के 6 यूज करने हैं, तो मैं सिंपली 6 फैक्टोरियल लगा सकता हूं और इसकी वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी 720, इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 720। तो ये भी हो जाता है भाई। ऐसी तीसरे पार्ट की बात करें तो यहां पर क्या है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल, हमारा जो पहला लेटर है वो क्या होना चाहिए, वो एक वोवल होना चाहिए। तो देखो ऐसा है ना, अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करोगे तो 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट लेटर वोवल होना चाहिए, यानी कि यहां पर या तो ओ होना चाहिए या फिर यहां पर ए होना चाहिए, इधर या तो ओ हो या फिर ए हो। तो इस बॉक्स को भरने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल, यहां पर कोई वोवल ही आना चाहिए, यानी कि या तो ओ आए या फिर ए आए, वोवल तो यही है ना, एक ये ओ है दूसरा ए है, ठीक है, ए ई आई ओ यू, यही हमारे लिए वोवल्स होते हैं। अब 6 में से इस बॉक्स के अंदर आएगा कोई एक, अगले के लिए बचेंगे 5, अगले के लिए बचेंगे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो इसका जो आंसर है कितना आ जाएगा, 5 20 60 120 240, ये बेटा हमारा 240 इस क्वेश्चन का बन जाता है आंसर, ओके। अब ऐसे नहीं करना चाहोगे, अगर तुम बोलोगे कि सर अगर परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाना हो तब कैसे करें, तो उस सिचुएशन में पहले आप फाइंड करोगे
वर्ड्स स्टार्टिंग विद ओ। पहले आप ये फाइंड करोगे कि ओ से शुरू होने वाले कितने वर्ड्स हैं। अब ओ से शुरू होने वाले वर्ड्स अगर आप फाइंड करोगे तो ये समझ लो कि आपने सबसे पहले नंबर पे ओ को फिक्स कर दिया। सबसे पहले नंबर पे ओ को आपने फिक्स कर दिया है। अब एक दो तीन चार पांच ओ हटा दो, एक दो तीन चार पांच, इन पांच लेटर्स को आपने अरेंज करना है पांच जगहों पे, तो 5 factorial और हमारा आंसर आएगा 120। ऐसे ही वर्ड्स वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, वर्ड स्टार्टिंग विद ए, तो यहां पर भी अब ए को फिक्स कर दो एकदम स्टार्टिंग में, और बाकी के बचे हुए पांच लेटर को अरेंज करो इन 5 places, तो ये 5 factorial और यहां पर आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, अब हमें तो चाहिए टोटल वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम अ वोवल। तो जब हमसे बोलता है कि टोटल वर्ड्स जो वोवल से स्टार्ट होता हूं, तो वोवल से शुरू होने वाले वर्ड्स वो ए से भी हो सकते हैं या वो ओ से भी हो सकते हैं, या तो ओ से या फिर ए से, तो इनको प्लस करना पड़ेगा भाई 120 और 120, हमारा आंसर आ जाएगा 240। 240 मिनट हमारे इस क्वेश्चन का बन जाएगा आंसर। सो मैं मान के चल रहा हूं ये बात बेटा आप लोग यहां पर समझ पाए होंगे। अब हमने ये किया है, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है यार, अब जरा उसकी तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14। इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को ना यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा बच्चे, एक नया कॉन्सेप्ट। देखिए कहता है भाई कि हमारे पास कह रहा कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 letter अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। कोई वर्ड है हमारे पास डॉटर, ठीक है, हमारे पास कोई वर्ड है डॉटर। देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 elements हैं इसमें टोटल। अगर मुझसे पूछे कि इस डॉटर में जितने भी लेटर्स हैं सबका यूज करो, 8 के 8 letter यूज करो, तो बताओ टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं। टोटल वर्ड्स यानी कि टोटल परमुटेशंस, एक भी एलिमेंट को आगे पीछे किया तो वर्ड का पूरा मीनिंग ही बदल जाएगा। तो टोटल वर्ड्स हमारे पास 8 elements हैं और 8 के 8 यूज करने हैं, 8 factorial, और इसकी वैल्यू मुझे याद है बेटा 40 320। बट क्वेश्चन में इसने ये नहीं पूछा, इसने पूछा कि ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिसमें ऑल वोवल्स ऑकर टुगेदर, ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिसमें सभी के सभी वोवल्स एक साथ आते हैं, ऑल वोवल्स ऑकर टुगेदर, ये हमसे यहां पर पूछ लिया जाता है। पहले पार्ट की बात कर रहे हैं, सभी वोवल एक साथ आने चाहिए भाई। देखो हमारे पास देखो क्या है, ए यू और ई, ये 3 vowels हैं, बाकी क्या बच गया, डी जी एच टी और आर, वो एक साथ हैं। तो वो एक साथ नहीं मतलब वो भी हैं, बट इन 3 को हम चाहते हैं ये तीनों ना एक साथ रहें, जहां भी जाएं तीनों एक साथ जाएं, ठीक है। तो देखो ऐसा है, अभी ए यू ई एकदम स्टार्टिंग में है, एकदम स्टार्टिंग में, ठीक है। मैं बोलूं कि इस क्यों ना मैं इस बॉक्स को उठा के इस डी और जी के बीच में रख दूं, डी और जी के बीच में रख दूं, तो एक नया वर्ड बन जाएगा। ऐसी क्यों ना मैं इसको उठा के टी और आर के बीच में रख दूं, तो भी एक नया वर्ड बन जाएगा। तो होगा क्या, ये ए यू और ई जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ए यू और ई एक साथ रहें, तो उसके लिए एक काम करना पड़ेगा भाई, एक काम क्या करना पड़ेगा वो ये बेटा, कंसीडर करो, ये अपने दिमाग में लिखवा रहा हूं बेटा आप लोगों के लिए, ये सब हालांकि लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंसीडर ऑल वोवल्स एज अ सिंगल एलिमेंट, हमारे पास जितने भी वोवल्स हैं उन सभी वोवल्स को एक सिंगल एलिमेंट माना जाए भाई, सिंगल एलिमेंट मानोगे तो देखिए बेटा अब क्या होगा, हमें चाहिए टोटल वर्ड्स इन विच ऑल वोवल ऑकर टुगेदर, हमें तो ये फाइंड करना है। तो देखो भाई अब ऐसा है ना,
टोटल एलिमेंट कितने हैं मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5 और ये पूरा एक सिंगल एलिमेंट है 6। तो मैं अब समझ लो उसको मैं एक सिंगल एलिमेंट मान के चल रहा हूं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेरे पास 6 एलिमेंट है, मैंने उन तीनों को एक सिंगल एलिमेंट मान लिया, मैंने उसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया है, तो वो तीनों नहीं उठ के, वो तीनों एलिमेंट उठ के कहीं नहीं जा रहे हैं, हम इस बॉक्स को उठा के इधर उधर शिफ्ट कर रहे हैं। तो एक तरफ से देखा जाए तो मैं इस बॉक्स को 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैं इन 6 एलिमेंट्स का परमुटेशन निकाल रहा हूं, तो आप बोलेंगे हम यहां पे लिख देंगे 6P6 या ऐसे लिख लो या सिंपली आप इसमें 6 फैक्टोरियल लिख लो, बात तो एक ही है। अब इसमें एक काम आपको और करना है, अब देखो ये ए यू ई जैसे हमारे पास है डी जी एच टी आर ये है और यहां पर क्या है ए यू ई, भाई ये ए यू ई इस बॉक्स के अंदर ही रहेंगे ये बात आपको मालूम है, बट ये बॉक्स के अंदर रहकर भी तो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं ना भाई, जो ए यू ई है वो ए ई यू फिर आगे वो पूरा आ जाएगा, ऐसे भी तो हो सकता है, ये इसके से मिल सकता है ये भी उसे मिल सकता है, देखो अभी भी तो बॉक्स के अंदर ही है, ऐसे ही ई ए यू भी हो सकता है, ऐसे ई यू ए भी हो सकता है, ऐसी यू ए भी हो सकता है या फिर यू ई ए भी हो सकता है। तो जिन तीन लोगों को आपने एक बॉक्स के अंदर कैद किया है वो भले बॉक्स से बाहर ना निकल रहे हो बट बॉक्स के अंदर रहकर भी तो वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं ना आपस में। तो देखो इन तीन एलिमेंट को अगर मैं अरेंज करूं तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 केसेस बन सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे इन टू में अलग से 6 लिखेंगे। अब तो बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि 6 लिखना है, तो भाई एक काम करो बॉक्स के अंदर 3 एलिमेंट है ना तो 3 फैक्टोरियल लिख लो, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 आती है, ठीक है। पहले तो पूरे बॉक्स को सिंगल एलिमेंट मान के सबको अरेंज करना है तो 6 फैक्टोरियल, फिर बॉक्स के अंदर जो लोग हैं उनको भी अरेंज करना है। अब देखो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 720, ये होता है 6, 6 × 12 और 6 × 43 = 43। तो 4320 वर्ड हमारे ऐसे होंगे जिसमें सभी वोवल्स एक साथ रहने वाले हैं, ये वर्ड्स अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे भाई, ये वर्ड्स अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करने वाले हैं। अब इतना हो जाता है, अब इसने सेकंड पार्ट में क्या पूछा भाई, कह रखी ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, 40320 वर्ड में से 4320 वर्ड ऐसे हैं जिसमें वोवल एक साथ आते हैं, तो बाकी के जो बचे हुए वर्ड हैं उसमें वो बस एक साथ नहीं आते होंगे। टोटल वर्ड्स वेयर वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, तो हम क्या करेंगे वो जो 40,300 टोटल वर्ड्स थे 40,320 उसमें से बेटा हम इन 4,320 को 4,320 को हम माइनस कर देंगे तो 40 - 4 ही बन जाएगा हमारे 36,000, 36,000 वर्ड्स बेटा हमारे ऐसे हो जाएंगे जिसमें कि हमारे सभी वोवल्स एक साथ नहीं आते होंगे, ठीक है। सो ये एक साथ आने वाली एक साथ ना आने वाली ये बात बेटा मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना चाह रहा था। ऐसे जैसे डॉटर है ऐसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे पास यार, ठीक है, जिसमें बोल देगा कि कॉन्सोनेंट एक साथ आने चाहिए कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के अभी मैं एक दो क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। फिलहाल एक नया कॉन्सेप्ट बेटा मैं आप लोगों को यहां पर अब बताने वाला हूं, ठीक है। जैसे बच्चे मैं आपसे बोलूं हमारे पास है बुक, इस बुक में ये जो वर्ड बेटा मैंने लिखा है इस बुक में आप एक चीज देखोगे कि ये दोनों ओ जो है वो तो सेम है, राइट, ये तो सेम है। अब मैं पूछूं कि इस बुक से आप टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हो, तो आप बोलेंगे सर हम उस ओ को पहले लिख लें और इस ओ को बाद में लिख लें और आगे के लिखें, तो बताओ कुछ नया बनेगा, बोलो भाई कुछ नया बनेगा या नहीं बनेगा, तो आप बोलेंगे नहीं सर नया तो कुछ नहीं बनेगा, दोनों ओ और ये वाला ओ और वो वाला ओ दोनों आइडेंटिकल थे, दोनों सेम है, तो नया वर्ड कैसे बन जाएगा। तो सर अगर मान लो ये ओ वन और ओ टू अगर ये डिफरेंट होते तब हमारे पास 4 एलिमेंट होते और उन 4 एलिमेंट को अरेंज करने के लिए हमारे 4 फैक्टोरियल यानी कि टोटल 24 परम्यूटेशन बन जाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आ गई, ये दोनों सेम हैं। अब उस ओ को पहले लिख लो इस ओ को बाद में लिख लो तो उससे कोई नया वर्ड नहीं बनेगा, वर्ड्स तो वो सेम ही रहेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा बेटा, हमारे जो टोटल वर्ड्स है ना वो एक प्रकार से आधे हो जाएंगे, 12 ही वर्ड्स बन पाएंगे भाई,
देखो एक और एग्जाम्पल, एक इजी एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाता हूँ, लास्ट टाइम भी शायद मैंने एग्जाम्पल दिया होगा, और तीन लेटर वाला एक वर्ड बेटा मेरे सामने आ रहा है, आम, आम। इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, तब भी ये आम ही रहेगा। अच्छा माँ, लो जी इस ए को पहले लिख लो, इस ए को बाद में लिख लो, तब भी ये माँ ही रहेगा। आमा, आमा, या फिर आमा, ठीक है। सो यहां पर तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको पहले लिखा इसको बाद में लिखा तो भी भाई ये सेम ही वर्ड रहेगा। तो अगर ये दोनों डिफरेंट होते, ए वन और ए टू होते, तब मैं तीन फैक्टर लगा के बेटा हमने अपना आंसर बताता 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बट उन 6 में बेटा आपको मालूम है ये कोई नया वर्ड नहीं है, ये कोई नया वर्ड नहीं है, ये भी कोई नया वर्ड नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे और एक्चुअल में 3 ही हमारे सामने नए वर्ड्स हैं, 1, 2, 3, तीन ही नए वर्ड्स बेटा हमारे सामने यहां पर हैं। तो एक्चुअल में हमेशा करना क्या होगा बेटा, जब भी कभी कोई एलिमेंट रिपीट कर रहा हो, जब भी कभी कोई एलिमेंट, व्हेन एलिमेंट्स रिपीट, तो उस सिचुएशन में जैसे यहां पे ए रिपीट कर रहा है 2 बार, तो अब याद रखिएगा 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। यहां पर कोई एलिमेंट अगर 3 बार रिपीट कर रहा हो तो समझ लो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। जैसे बुक का बेटा आपका क्वेश्चन है, मैं लिखता हूं इलाहाबाद, नाम चेंज हो गया भैया, प्रयागराज हो चुका है इलाहाबाद, ठीक है जी बच्चों। यहां पर मैं आपसे पूछ लूं कि टोटल कितने वर्ड्स आप बना सकते हो, टोटल वर्ड्स, तो आप बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल हमारे पास 9 एलिमेंट है, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 9 फैक्टोरियल, राइट। बट उसमें भी 1, 2, 3, 4, ए रिपीट कर रहा है 4 बार, ठीक है, 1, 2, एल रिपीट कर रहा है 2 बार, ए की रिपीटेशन 4 बार है तो इसलिए 4 फैक्टोरियल, एल की रिपीटेशन 2 बार है इसलिए यहां पे रहेगा 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। बेटा इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास टोटल वर्ड्स आ जाएंगे। मैं बोलूं गूगल, गूगल, लो जी हाँ जी, यहां पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 एलिमेंट है तो 6 फैक्टोरियल, जी की रिपीटेशन हो रही है 2 बार, इसलिए 2 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, ओ की रिपीटेशन हो रही है 2 बार, अगेन 2 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में। इसको सॉल्व करेंगे और टोटल वर्ड्स बेटा मुझे यहां पर इधर पता चल जाएंगे भाई। सो मैं मान के चल रहा हूं बेटा ये बात आप लोग यहां पर समझ पाए होंगे, ओके। सो देखो अब एक बार जरा आपकी किताब के दर्शन करते हैं, एक बार आपकी किताब के दर्शन करते हैं भाई, यहां पर भी ऐसे क्वेश्चन दिखने चाहिए, क्वेश्चन दिख जा। हाँ जी देखिए बेटा यहाँ पे ये इलाहाबाद वाला क्वेश्चन बेटा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इलाहाबाद ए 4 बार था, एल 2 बार था, तो इसलिए 9 फैक्टोरियल टोटल एलिमेंट, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, नीचे आ गया देखो आंसर हमारा 7560 बन गया, राइट। अब देखो मैं आपको एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ, एक बढ़िया वर्ड प्रॉब्लम जिसमें कई सारी चीजें बेटा आप लोगों की यहाँ पे कवर होंगी यार। हाँ जी बच्चे देखिएगा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और डायरेक्ट आंसर लिखेंगे भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, कह रहे कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट, डू द वोवल स्टार्ट विद पी, डू ऑल द वोवल ऑलवेज ऑकर टूगेदर, डू द वोवल नेवर ऑकर टूगेदर, डू द वर्ड बिगिन विद आई एंड एंड इन पी। तो कई सारी चीजें बेटा यहां पर इसमें पूछ ली गई है भाई। तो ऐसा है इंडिपेंडेंस जो लिखा गया है ना यहां पे, तो ऐसा है इस इंडिपेंडेंस में एक बार देखते हैं भाई क्या क्या चीजें हैं। आई देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 एलिमेंट है भाई यहां पे, टोटल 12 एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा अब देखो रिपीट कौन कौन कर रहा है, आई रिपीट कर रहा है कितनी बार, एक, बस आई तो एक ही बार, इसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा एन कितनी बार है, एन, एन यहां पर कितनी बार है भाई, एन, एन इसमें 1, 2,
तीन, एन की रिपीटेशन हो रही है तीन बार, ठीक है, और कोई रिपीट कर रहा है, डी डी एक दो, बस डी यहां पर है दो बार। अच्छा ई कितनी बार है, ई एक दो तीन चार, तो ई यहां पर हो गया चार बार, तो चार तीन सात और दो नौ, तीन एलिमेंट कौन कौन, तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो रिपीट नहीं कर रहे, एक आई यहां पर एक ही बार था, पी यहां पर एक ही बार था और सी यहां पर बेटा एक ही बार था, तो चार दो छह तीन नौ और तीन बारह, टोटल बारह एलिमेंट है। अब मुझसे पूछ लिया जाए कि टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, टोटल वर्ड्स इसमें कितने बनेंगे, तो टोटल इसमें एलिमेंट है बारह फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन है तीन बार, डी है दो बार और ई है चार बार। इसकी कैलकुलेशन भाई मैं नहीं कर रहा हूं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ठीक है, देख सकते हैं 12 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, सॉल्व करके भाई इतना हमारे पास ही आंसर आ गया है, 1,66,3200, 3 2 4 ही है ना, 3 2 4 ठीक है, 1,66,3200, ठीक है भाई, ओके। सो ये पहला पार्ट, ये पहला पार्ट नहीं है, पहला पार्ट अब स्टार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, डू द वर्ड स्टार्ट विद पी, हमारा जो वर्ड है वो पी से शुरू होना चाहिए। तो देखो यार ऐसा है ना, टोटल वर्ड्स इन विच वर्ड स्टार्ट विद पी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स कर दो पी इन द बिगिनिंग, आप पी को फिक्स कर दो बेटा कहां पर, एकदम स्टार्टिंग में। हमारे पास यहां पर इस क्वेश्चन में एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह वैकेंट प्लेसेस हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह वैकेंट प्लेसेस हैं। मैं कह रहा हूं यहां पे P लिख दो, यहां पर P फिक्स कर दो। अब कितने वैकेंट प्लेस बच गए, अब बोलोगे 11 वैकेंट प्लेस बच गए, तो इसलिए 11 का फैक्टोरियल, बट उन 11 एलिमेंट में भी एन आ रहा है तीन बार, डी आ रहा है दो बार और ई आ रहा है चार बार, ई आ रहा है चार बार उन 11 एलिमेंट के लिए बेटा, 11 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, हमारा पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा, आई थिंक ऐसे ही करना चाहिए भाई, 11 3 2 4 11 3 2 4, ठीक है, ओके सर, ये हो जाता है, ये हो जाता है। ऐसी सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, डू ऑल दी वोवल ऑलवेज ऑकर टूगेदर, वोवल एक साथ आने चाहिए, सारे वोवल्स एक साथ रहने चाहिए। तो टोटल वर्ड्स इन विच वोवल्स ऑकर टुगेदर, सारे वोवल्स एक साथ आने चाहिए। तो देखो ऐसा है ना, उसके लिए काम करते हैं, वोवल्स हैं क्या हमारे पास, एक वोवल है ई, ई है चार बार, एक दो तीन चार, क्या और कोई वोवल है, आई भी एक वोवल है भाई, ठीक है आई भी है, आई भी इसमें आ जाएगा भाई, पांच हो गए, क्या और कोई है, ई ई ई हमारे चार बार लिख चुके हैं बेटा, आई लिख चुके हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है डी है चार दो छः तीन नौ दस, सी और पी, ठीक है और कोई वोवल नहीं है, तो ये पांच ही वोवल्स हमारे पास हैं, इन पांच वोवल्स को मैंने एक बॉक्स के अंदर कर दिया है बंद, ठीक है। अब देखो एन था तीन बार, एक दो तीन, डी है दो बार, एक दो, ई है चार बार, वो लिख चुका हूं मैं, तो चार पांच तीन आठ दो दस, कौन कौन रह गया, एक रह गया पी, एक रह गया सी, तो देखो अब देखो एक दो तीन चार पांच छ सात, और इस पूरे को बेटा एक सिंगल एलिमेंट मान के चलो, बोला ना वोवल्स एक साथ आने चाहिए, तो जिन भी चीजों को एक साथ रखना चाहते हो उन्हें बॉक्स के अंदर बंद करना पड़ेगा, वोवल्स को एक साथ रखना तो मैंने वोवल्स को बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। तो अब देखो ऐसा है, तो पहले कुल मिला के 12 एलिमेंट थे मेरे पास, 12 12 में से 5 हटा के 7 और 1 एक्स्ट्रा आ गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं लिख दूंगा 8 फैक्टोरियल, बस उस 8 फैक्टोरियल में ये n है तीन बार, ठीक है, ये मत बोलना सर ई चार बार है, भाई वो पूरा एक ही एलिमेंट है, वो पूरा हमारे लिए एक ही एलिमेंट है, सो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, तो एन है तीन बार और डी है दो बार, तो
तो ये आपने इन 8 एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया। उसके बाद अब इस बॉक्स के अंदर ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, 5, मैंने क्या बोला, जब ये सारे एलिमेंट अरेंज हो जाते हैं फिर उसके बाद बॉक्स के अंदर वाले एलिमेंट को अरेंज करना पड़ता है। तो बॉक्स के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 5 एलिमेंट हैं अपॉन में, उसके बाद उन 5 में भी ई 4 बार आ रहा है, तो 4 फैक्टोरियल से अलग से आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करके आंसर कुछ हमारा आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं सेकेंड पार्ट, ये लंबी चौड़ी कहानी, आंसर देखो 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 और 4, 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करके हमारा जो नंबर आ रहा है भाई वो कितना है, 16800, ये हमारा आंसर आ गया भाई। ठीक है, फिर इसने क्या बोला, डू दी वोवल्स नेवर ऑकर टूगेदर, वोवल्स एक साथ कभी भी नहीं आने चाहिए, तो उसके लिए तो एक काम करो ना, जो टोटल वर्ड्स हैं उसमें से उसको माइनस कर दो, वही कर रखा होगा भाई, हमारे जो टोटल वर्ड्स हैं उसमें 16800 को माइनस कर दो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, डू दी वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड इन पी, हमारा जो वर्ड है वो आई से शुरू हो, आई, अरे 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 अरे, हमारा जो वर्ड है वो आई से शुरू हो, आई से शुरू हो, और हमारा जो वर्ड है वो पी पर खत्म हो, हमारा वर्ड आई से शुरू हो कि वो पी पर खत्म हो जाए। तो देखो इस सिचुएशन में क्या भाई, आई से शुरू होगा पी से खत्म होगा, तो देखो टोटल 12 एलिमेंट थे, 12 एलिमेंट, अब उन 12 में से बेटा आई और पी तो फिक्स हो गए, बचे 10, उन 10 में भी एन है 3 बार, डी है 2 बार, ई है 4 बार, 3, 2 और 4, ये हमारा आंसर होना चाहिए बेटा यहां पे, 10, 3, 2 एंड 4, बात समझ में आ रही बच्चों। भाई जिसको आपने फिक्स कर दिया उसकी टेंशन नहीं लेने, फिर आई को फिक्स कर दिया, पी को फिक्स कर दिया, उनको भूल जाओ, बाकी की जो 10 जगह बच गई तो 10 फैक्टोरियल आ गया, उसमें से रिपीट कौन कौन कर रहा था, एन डी और ई, तो इसलिए अपॉन में 3, 2 एंड 4 हमारे इधर आ जाएंगे यार। सो मैं मान के चलो बच्चे ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, जैसे हमने ये किया भाई ऐसे ही देखो आपकी बुक में ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 मिसिसिपी, इसको इंपॉर्टेंट माना जाता है क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लीजिए, और इसको मैं अगले पेज पर ले आता हूं। आज बच्चे देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से, कह रहा है कि इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमिटेशंस, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमिटेशंस ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी, मिसिसिपी, लो जी मिसिसिपी है एम आई डबल एस आई, फिर डबल एस आई डबल पी फिर आई, इसको ध्यान से देखना भाई, ठीक है ना। तो कहते हैं कि इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट, डू द 4 आई नॉट कम टूगेदर, जो 4 आई इसमें है ना, ये 4 आई कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए। तो पहले तो देखो ऐसा है ना, इसमें टोटल एलिमेंट्स हैं कितने, इसमें टोटल एलिमेंट्स हैं कितने, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एलिमेंट है भाई टोटल, ठीक है। अच्छा उसमें आई की रिपीटेशन है 4 बार क्लियरली, अच्छा एस की रिपीटेशन भी 4 बार है, पी की रिपीटेशन 2 बार है, तो 4, 4, 8, 2, 10 और एक रह गया एम। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, तो आप बोलेंगे कि सर कुल मिला के 11 एलिमेंट है तो 11 फैक्टोरियल, बट उसमें आई 4 बार है, एस भी 4 बार है और पी 2 बार है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 तक ले जाते हैं, 4 फैक्टोरियल, 4 × 3 × 2 × 1, 2 × 1, तो 4 फैक्टोरियल से ये 4 फैक्टोरियल भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर और क्या कैंसिल होगा, 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6, हमारे पास आ जाएगा 11 × 9 और यहाँ पे 7 × 5 = 35, तो ये हमारा एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे 990 × 35 है, तो 99 की मल्टीप्लाई हम लोगों को यहाँ पे 35 से करनी है, तो यहाँ पे देखो 100 की मल्टीप्लाई अगर मैं 35 से करता हूँ माइनस पे 35 से हमारा कितना आ जाएगा 3,435,
65, तो 34,650 जो है बेटा ये हमारे इस क्वेश्चन का बन जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। बट ये भी पूरे क्वेश्चन का नहीं आंसर नहीं बना बेटा, अभी सिर्फ क्या आया है टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसमें मुझे ये पता चल सके कि इसमें ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिसमें कि हमारे चारों आई एक साथ आते हैं, फोर आई कम टुगेदर, ठीक है। तो कंसीडर करो ऑल आई एज अ सिंगल एलिमेंट, जितने भी आई हैं बेटा उन्हें एक सिंगल एलिमेंट मान लिया जाए, ठीक है। सिंगल एलिमेंट मान लेते हैं बच्चे, तो देखो ऐसा है ना, सिंगल एलिमेंट मान लेते हो, देखो आई 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 ये सब हो जाएंगे एक बॉक्स के अंदर बंद। अब क्या क्या रह गया, एस 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 पी पी एम, एस चार बार एस, दो बार पी, एक बार एम, तो चार। अब देखो चार चार आठ, दो दस और ग्यारह भी हो रहे हैं। और अब देखो टोटल वर्ड्स बड़ा, देखो जरा टोटल वर्ड्स, देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात, और इस पूरे को एक सिंगल एलिमेंट माना है तो 8 factorial, उसमें भी अपॉन में एस है चार बार, पी है दो बार, इनटू में अब बॉक्स के अंदर वाले एलिमेंट्स को भी अरेंज करना होता है, तो बॉक्स के अंदर यहां पे चार एलिमेंट्स हैं तो इसलिए 4 factorial लिखूंगा, बट क्योंकि वो चारों ही एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं तो इसलिए अपॉन में 4 factorial भी लिखना पड़ेगा, और ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये सॉल्व करके बनेगा 8, 7, 6, 5, 4, 4 factorial, 2 into 1 ये कैंसिल, 2 into 4, 7 28, 6 5 30, 30, 60, 90, 84, 840। तो 840 वर्ड्स हमारे ऐसे होंगे जिसमें चारों के चारों आई एक साथ आते होंगे, टोटल वर्ड्स इन विच 4 आई कम टुगेदर, ठीक है। नाउ टोटल वर्ड्स इन विच 4 आई डू नॉट कम टुगेदर। तो भाई लोग यहां पर क्या है, अब देखिए हमारे पास 34,650 है, उस 34,650 में से माइनस कर लो उस 840 को, तो 0, 5 4 1 और 3, 346 से 8 गए 338, तो 33,810 बेटा ये हमारे इस क्वेश्चन का बन जाता है आंसर। इतने जो है हमारे वर्ड्स होंगे जिसमें कि हमारे चार आई कभी भी एक साथ नहीं आते होंगे। तो ये भी यहाँ पर खत्म होता है भाई, ये भी यहाँ पे समाप्त होता है, मैं मान के चल रहा हूँ ये बात आप लोगों को इधर समझ में आई होगी। अब ये किया भाई हम लोगों ने, अब एक काम करते हैं, अब एक क्वेश्चन बेटा मैं आपके सामने लिखता हूँ, एक क्वेश्चन बेटा मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ पावर, ठीक है, कोई एलिमेंट यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इन हाउ मेनी वर्ड्स देर आर एग्जैक्टली 2 letters between P and E, लो जी बच्चों ये हमारे सामने क्वेश्चन है, कह रहे कि P और E के बीच में एग्जैक्टली 2 letters होने चाहिए। देखो ये कॉन्सेप्ट आपकी बुक में है तो इसलिए मैं करवा रहा हूं भाई, ठीक है, और एक बड़े क्वेश्चन के लिए बेटा मैं आप लोगों को यहां पे अभी तैयार कर रहा हूं। तो देखिए हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 5 letter वाला वर्ड है पावर, इसने बोला कि P और E के बीच में जो है हमेशा 2 letter रहने चाहिए, तो यानी कि इसका मतलब तो यह है कि भाई अगर मान लो P यहां पर है तो 1, 2 E हमें यहां रखना पड़ेगा, या फिर P यहां पर है तो E हमारा यहां पर होगा। तो बच्चों P इधर तो E इधर, इनके बीच में 2 space खाली हैं, ऐसे P इधर तो E इधर, इसके बीच में 2 space खाली हैं, ऐसे ही अगर मान लो E यहां पर है और P हमारा यहां पर है, तो यहां पर आप देखेंगे कि E और P के बीच में अभी भी दो
यहाँ पे खाली जगह जो है बेटा अभी भी बची हुई है, तो यहाँ पर भी क्या है हमारे दो लेटर आ सकते हैं। इसने क्या बोला, देर आर एग्जैक्टली टू लेटर्स बिटवीन पी एंड ई, तो पी और ई के बीच में देखो दो लेटर्स यहाँ पे हो सकते हैं, और ऐसी एक केस आपका क्या बन सकता है कि ई यहाँ पर हो और पी यहाँ पर हो, तो अभी भी ई और पी के बीच में दो लेटर्स आ सकते हैं। तो चार सिचुएशंस पॉसिबल है। तो अब मैं बोलता हूं कि एक दो तीन चार पांच, पांच में से एक लेटर यहां फिक्स कर दिया, एक लेटर यहां फिक्स कर दिया। अब इस जगह को भरने के लिए मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं, इसके लिए दो ऑप्शंस हैं, और इसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है, तो ऐसे छह वर्ड बन सकते हैं बेटा। ये बात आप लोग समझे या नहीं समझे भाई, हमारे पास ऐसे थ्री इंटू टू इंटू वन छह वर्ड्स बेटा बन सकते हैं। ठीक है, देखो पी ई आ गया तो ओ डब्ल्यू आर है, ओ डब्ल्यू आर ओ आर डब्ल्यू, ऐसे आर डब्ल्यू ओ आर ओ डब्ल्यू, ऐसे छह वर्ड बन जाएंगे। ऐसी छह वर्ड्स यहां पर भी बनेंगे, ऐसे ही छह वर्ड्स यहां पर भी बनेंगे, और ऐसे ही छह वर्ड्स बेटा हमारे यहां पर भी बनेंगे। तो मैं अगर बोलूं कि ऐसे टोटल कितने वर्ड्स हैं जब पी और ई के बीच में एग्जैक्टली दो लेटर हैं, तो आप बोलेंगे सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स, तो हमारा जो राइट आंसर बेटा वो आ जाएगा 24, यानी कुल मिला के 24 वर्ड्स हमारे ऐसे हो सकते हैं। अब यहां तो मैंने चारों पॉसिबिलिटीज बेटा आपके सामने लिखी हैं। अगर जैसे यहां पे पांच पांच लेटर का ये जो वर्ड है, पांच लेटर की जगह दस लेटर का वर्ड हो, तब आप इतने सारे केसेस नहीं बना सकते भाई। ठीक है, तो वहां पर आप शॉर्ट में क्या करेंगे, आपने सोचना क्या है, पहले ये सोचो कि पी और ई कहां कहां पे आ सकते हैं। तो देखो पी अगर यहां पर है तो एक दो, तो ई आपको यहां रखना पड़ेगा। ठीक है, पी अगर यहां पर है तो ई आपको यहां पे रखना पड़ेगा, दो केसेस ये हो गए। ऐसी ई यहां पर है तो पी यहां रखना पड़ेगा, ई यहां पर है तो पी यहां पर रखना पड़ेगा। तो पी एंड ई, इन दो एलिमेंट्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, पहले ये सोचो। तो पी एंड ई कैन बी अरेंज्ड, दे कैन बी अरेंज्ड इन फोर वेज। ठीक है, अब जब पी और ई अरेंज हो चुके होंगे तो उसके बाद रिमेनिंग लेटर्स को भी अरेंज करना है, तो मैं बोलूंगा रिमेनिंग लेटर्स कैन बी अरेंज्ड, रिमेनिंग लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, तो आप बोलेंगे थ्री फैक्टोरियल यानी कि सिक्स वेज। तो मुझे तो टोटल वर्ड्स चाहिए ना बेटा, टोटल वर्ड्स। तो आपने करना क्या है, सिंपली आपने उस फोर की मल्टीप्लाई, इन फोर की मल्टीप्लाई आपने तीन फैक्टोरियल से कर देनी है, और हमारा आंसर आ जाएगा 24, यानी कि ऐसे 24 वर्ड्स बेटा हमारे इस क्वेश्चन में टोटल इधर बन जाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन किया भाई, अब देखो आपकी बुक में है क्वेश्चन नंबर 11, देखिएगा ध्यान पूर्वक देखिएगा बच्चे इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चे, देखो क्या बोला गया है। सबसे पहले तो कहता है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज। देखो परम्यूटेशंस बोला गया, पी ई आर एम यू टी ए टेशंस, टी आई ओ एन एस, टी ए टी आई ओ एन एस। तो देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, टोटल 12 एलिमेंट है बेटा मेरे पास। ठीक है, उसमें से मैं देख पा रहा हूं ये जो टी है ये दो बार रिपीट कर रहा है। टोटल जो एलिमेंट्स है बेटा हमारे पास वो है 12। ठीक है, उसमें टी की रिपीटेशन हो रही है दो बार। मुझसे अगर बोले टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, टोटल वर्ड्स, तो आप बोलेंगे 12 फैक्टोरियल को डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल से। 12 फैक्टोरियल को डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करके कुछ आंसर आ जाएगा, वो मैं नहीं लिख रहा हूं भाई। ठीक है, वो आपके ऊपर है, कैलकुलेशन खुद करना है इसकी। कहते कि द वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, हमारा वर्ड पी से शुरू हो एस पे खत्म हो। वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड एट एस एंड एंड विद एस। तो ऐसा है ना, हमें मालूम है कि शुरुआत में पी आना चाहिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, लास्ट में एस आना चाहिए। तो हमें चाहिए टोटल वर्ड्स, हमें चाहिए बेटा इसमें टोटल वर्ड्स।
तो P को स्टार्टिंग में फिक्स कर दो, S को एंडिंग में फिक्स कर दो, बच गए बेटा। अब P को स्टार्टिंग में फिक्स कर दिया, S को एंडिंग में फिक्स कर दिया, अभी भी 10 एलिमेंट बच गए। तो उन 10 एलिमेंट को इन 10 जगहों पे अरेंज करना है, तो 10 फैक्टोरियल, और उसमें भी बेटा आप देखेंगे T जो है वो दो बार है, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे, और इसको सॉल्व करके बेटा हमारा आंसर आ जाएगा यार। सो ये इसका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब ऐसी बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। ऑल दी वोवल्स आर टुगेदर, सभी जो वोवल्स हैं, ऑल दी वोवल्स आर टुगेदर, वोवल्स एक साथ आने चाहिए। तो वोवल्स देखो इसमें कौन कौन है, ई यू ए आई ओ, पांचों के पांचों वोवल्स आ गए इसमें, वो सब एक साथ आने चाहिए। तो ए ई आई ओ यू, इन पांचों को एक साथ एक बॉक्स के अंदर बंद कर दो। अब क्या रह गया, पी आर एम टी टी एन एस, पी आर एम टी टी एन एस, तो हमें चाहिए टोटल वर्ड्स, टोटल वर्ड्स, टोटल वर्ड्स, ठीक है। तो देखो भाई ऐसा है ना, टोटल वर्ड्स बट हम लोग को यहां पे चाहिए, तो इन विच ऑल वोवल्स आर, इन विच ऑल वोवल्स आर टुगेदर। तो देखो ऐसा है, 1 2 3 4 5 6 7, और इस पूरे को एक सिंगल एलिमेंट मानो, 8, 8 एलिमेंट है, ठीक है। जब भी बोले कि कुछ एलिमेंट एक साथ आने चाहिए तो उनको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दो, मैंने सभी वोवल्स को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, उसको एक सिंगल एलिमेंट मान के चलो। तो अब देखो 7 और 1 8 एलिमेंट, तो इसलिए 8 फैक्टोरियल, उसमें भी टी की रिपीटेशन हो रही है दो बार, पर उसके बाद खेला अभी और भी चलेगा, बॉक्स के अंदर भी 5 एलिमेंट है और उनमें कोई भी रिपीट नहीं कर रहा, तो बॉक्स के अंदर क्योंकि 5 एलिमेंट है तो इसलिए इनटू में अलग से बेटा आप यहां पे क्या लिख लो, अलग से यहां पे लिख लीजिए 5 फैक्टोरियल, और बेटा ये इसको सॉल्व करके हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा। सो ये भी यहां पे समाप्त होता है। फिर आ जाइए इसके तीसरे पार्ट पे, थर्ड पार्ट। थर्ड में कहते हैं कि देर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस, अभी थोड़ी देर पहले कराया ना, ये देखो तो ऐसा है ना, ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब देखो ऐसा है, मान लो यहां है P, तो P और S के बीच में 4 लेटर होने चाहिए, तो 1 2 3 4, इन चार जगहों को छोड़ दो, S यहां पर होगा। तो पहले ये पता करो कि P और S को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो लिख लो भाई P एंड S कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, P यहां पे है तो S यहां पे है, एक अरेंजमेंट हो गया ऐसी, मान लो P यहां पर है तो S यहां लिखना पड़ेगा, 2, P यहां पर है तो S यहां लिखना पड़ेगा, 3 4 5 6 7, P पहले है S बाद में है, तो ऐसे 7 केस बन रहे हैं, ऐसे 7 केस वो होंगे जिसमें S पहले होगा और P बाद में होगा, तो 7 plus 7 14 वेज, ठीक है, P एंड S कैन बी अरेंज्ड इन 14 वेज। ओके, अब रिमेनिंग 10 लेटर्स, रिमेनिंग 10 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, P और S को अरेंज कर दिया, अब बाकी के 10 लेटर को भी तो अरेंज करना है ना, तो उसके लिए 10 एलिमेंट है बट उसमें T की रिपीटेशन दो बार हो रही थी इसलिए उसे डिवाइड करना पड़ेगा। सो हमें चाहिए टोटल वर्ड्स इन विच देर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, तो हम क्या करेंगे, हम उस 14 की मल्टीप्लाई कर देंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल के साथ। तो ये बेटा यहां पर है, ये क्वेश्चन होता है समाप्त, जैसे हमने पिछले में किया था कि उस 4 की मल्टीप्लाई हमने अलग से 3 फैक्टोरियल से कर दी थी, ऐसे यहां पर बेटा हम लोग यहां पे 14 की मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल से करके कर देंगे भाई। सो ये यहां पे खत्म होता है, और इसके साथ ही बेटा हमारी ये एक्सरसाइज भी ओवर हो रही है। बट अगर आप बात करें मिसलिनियस की, तो वहां पर बेटा आप लोगों को क्वेश्चंस नजर आएंगे परम्यूटेशन पे बेस्ड। जैसे देखो क्वेश्चन में बोलता है भाई, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड असैसिनेशन, असैसिनेशन,
असेसिनेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सो दैट एस आर टुगेदर, एस एक साथ आने चाहिए। तो देखो वैसे है कितने इसमें, एक बार देखते हैं, एक दो, अरे यार, अरे 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 अरे, अरे एक दो, अरे चल नहीं रहा भाई, चल जा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तेरह है यहाँ पे, ऐसे यहां देखते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, ठीक है भाई, ओके। अब इसने बोला है क्या कि एस सारे एक साथ आने चाहिए, तो देखो एक दो तीन चार, चारों एस को मैंने एक बॉक्स के अंदर कर दिया बंद। अब देखो यहां पर आप देखेंगे ए जो है वो आ रहा है यहां पे तीन बार, ठीक है, एक दो तीन, ठीक है। अच्छा क्या और भी कोई रिपीट कर रहा है, आई देखो यहां पे आई 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 यहां पर है दो बार, ठीक है, ए तीन बार है, आई दो बार है, ठीक है। क्या और भी कोई रिपीट कर रहा है, चार तीन सात दो नौ, चार एलिमेंट और रह गए भाई हमारे, एन 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 भी भाई दो बार है यहाँ पे यार, एन भी हमारा यहाँ पे दो बार आ रहा है, और कौन रह गया, टी रह गया, ओ, अच्छा टी और ओ रिपीट नहीं कर रहे, ठीक है, ओके। सो बच्चे चार तीन सात दो नौ दो ग्यारह और ये दो तेरह, तो मुझे चाहिए टोटल वर्ड्स जिसमें कि सभी एस एक साथ आने चाहिए। तो देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ और एक दस फैक्टोरियल, अपॉन में ए है तीन बार इसलिए थ्री फैक्टोरियल, आई है दो बार इसलिए टू फैक्टोरियल, एन है दो बार इसलिए यहाँ पे टू फैक्टोरियल। फिर बॉक्स के अंदर चार ऐसे हैं तो उन्हें भी अरेंज करना चाहिए, बट क्योंकि चारों रिपीट कर रहे हैं तो इसलिए फोर फैक्टोरियल से अलग से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको ना भी लिखो तो भी चलेगा। सो ये हमारा आंसर बन जाता है। बढ़ेंगे आगे की तरफ, बढ़ेंगे भाई लोग आगे की तरफ। देखिए जैसे हमने ये किया है ऐसे ही इसमें ये देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बेटा, क्वेश्चन में देखो क्या बोलेगा, यहां पे क्वेश्चन में बोलता है भाई कि इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 मेन एंड 4 वीमेन इन अ रो सो दैट वीमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेस। भाई 5 मेन हैं, 4 वीमेन हैं, 9 लोग हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग हो गए। क्या बोलते हैं, विमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेस, विमेन जो है वो इवन प्लेस पे आनी चाहिए। इवन यानी कि विमेन दूसरे नंबर पे हो सकती है, चौथे पे हो सकती है, छठे पे हो सकती है, आठवें पे हो सकती है, इन चार जगहों पर कहीं पर भी विमेन आ सकती हैं। और विमेन तो सब डिफरेंट है ना, आइडेंटिकल तो है नहीं, डिफरेंट है भाई, तो अरेंजमेंट्स की बात हो रही है बेटा यहां पे। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि चार विमेन को बिठाना है तो आप लिखेंगे फोर विमेन्स कैन बी सीटेड, दे कैन बी सीटेड इन 4P, 4 यानी 4 फैक्टोरियल वेज। चार विमेन है, चार जगहों पे बिठाना है। अब बाकी जो पांच जगहें बच चुकी हैं वहां पे 5 मेन को बिठाना है, तो 5 मेन कैन बी सीटेड इन, 5 मेन है, 5 जगहों पर बिठाना है, तो 5 फैक्टोरियल वेज यहां पर बेटा हमारा आ जाएगा। सो टोटल अरेंजमेंट्स बेटा हमें चाहिए, यहां पे टोटल अरेंजमेंट्स की बात कर रहा है, तो मैं 4 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल से कर दूंगा, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ये इसके ही जैसा भाई एक और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन यहां पर आता है, एक और सीटिंग अरेंजमेंट का एग्जाम्पल है बेटा ये हमारा, देखिएगा भाई कहता है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठने चाहिए, ठीक है जी, 2 लड़के हमारे कोई भी एक साथ नहीं आने चाहिए। तो बेटा देखो ऐसा है ना, 2 लड़के एक साथ नहीं आने चाहिए, तो एक काम करो भाई, पहले ना गर्ल्स को बिठा दो, 1
दो तीन चार पांच, और ये जो भी गर्ल्स हमने बिठाई हैं भाई इनके अगल बगल में ना स्पेस खाली रखो, ठीक है। अब देखो मान लो मैंने एक लड़के को यहां बिठा दिया, एक लड़के को यहां बिठा दिया, एक को यहां बिठा दिया, अब ऐसे में क्या होगा, वो जो तीन लड़कियां वो तो एक साथ आ जाएंगी, ठीक है, बट ये जो तीन लड़के हैं वो एक साथ नहीं आ पाएंगे। तो ये जितनी भी खाली जगह हमने छोड़ रखी है, एक दो तीन चार पांच छह, इन खाली जगहों पर बेटा कोई भी तीन लड़के आप कहीं पर भी बिठा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दो लड़के कभी भी एक साथ नहीं आ पाएंगे। तो ऐसा है, एक दो तीन चार पांच, फाइव गर्ल्स को बिठाने के लिए फाइव गर्ल्स कैन बी सिटेड फाइव फैक्टोरियल वेज, ठीक है, और एक दो तीन चार पांच छह, छह में से तीन जगहों पर हमें लड़के बिठाने हैं, थ्री बॉयज कैन बी सीटेड, थ्री बॉयज कैन बी सीटेड इन छह में से तीन जगहों पर बेटा। तो हमें लड़के बिठाने, तो सिक्स बी थ्री, और सिक्स बी थ्री यानी सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर, और वो थ्री तो नीचे से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा छः पंजे तीस, एक सौ बीस बीस। तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज हैं, टोटल अरेंजमेंट्स देखो, वो जो पांच फैक्टोरियल है उसकी मल्टीप्लाई कर लो सिक्स पी थ्री के साथ, ये होता है 120, ये भी 120 है, और ये बन जाएगा 144, साथ में दो जीरो, ये हमारा आंसर आना चाहिए यार, ठीक है बच्चों। सो ये भी बेटा आप लोग यहाँ पर समझ पाए होंगे। सो मैं मान के चल रहा हूँ कि परम्यूटेशन जो है आप लोगों को समझ में आया है, कॉमेंट करके बताना भाई परम्यूटेशन समझ में आया कि नहीं आया है। अब भाई मैं शुरू कर रहा हूं, अब मैं यहां पर शुरू कर रहा हूं भाई कॉम्बिनेशन। अब तो चलिए बच्चों, अब हम यहां पे शुरू कर रहे हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में देखिए बच्चों, ऐसा है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉम्बिनेशन में भी क्या है, यहां पर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है, वेयर ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहां पे नहीं है। तो इसके एग्जांपल्स बेटा मैंने आप लोगों को पहले बताए थे, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक दो तीन चार, ए बी सी एंड डी, चार पॉइंट्स हैं, और मैं पूछूं कि इन फोर पॉइंट्स का यूज करके हम कितनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे एक लाइन हो सकती है ए बी, सही बात है, एक हो सकती है बी सी, एक हो सकती है सी डी, एक हो सकती है ए डी, अच्छा एक हो सकती है ए सी, एक हो सकती है बी डी। तो आप देख रहे हैं छह लाइन बन जाएंगी, ए बी बी सी सी डी ए डी ए सी बी डी, सिक्स लाइंस को हम यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है, तो आप बोलेंगे सर हमें दो पॉइंट्स की जरूरत हुआ करती है भाई, ठीक है। अब पॉइंट्स हमारे पास है कितने, चार पॉइंट्स हैं। अगर मैं ए बी लिखूं और मैं बी ए लिखूं, तो क्या ये दोनों कोई डिफरेंट लाइंस हैं, तो आप बोलेंगे नहीं डिफरेंट नहीं है, दोनों यहां पर ये सेम है, तो यानी कि ऑर्डर यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ये है कॉम्बिनेशन। सो फॉर्मूला बेटा हमारे पास कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, आप बोलेंगे एन, कॉम्बिनेशन चाहिए, एक बार में आर एलिमेंट्स यूज करने हैं, तो भाई लोग फॉर्मूला है हमारे पास एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, और ये आर जो है इसको अलग से यहां पे नीचे लिख लो आर फैक्टोरियल, ये चीज बन जाएगी बेटा हमारे पास। जैसे इसी की बात करें, हमारे पास यहां पे चार एलिमेंट थे और यूज करने थे एक बार में दो, तो फोर फैक्टोरियल, फोर में से टू माइनस करेंगे, फिर इस टू को अलग से यहां पे लिखेंगे, फोर इंटू थ्री इंटू टू, टू इंटू वन टू फैक्टोरियल, तो चार तीन बारह, बारह बटे दो, हमारा आंसर आ जाएगा सिक्स, हमारा आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ पे सिक्स। सो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं सिक्स ही हमारे इस क्वेश्चन के जरिए आंसर बन भी रहा है यार। अब कुछ बातें बेटा ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया
एनसीआर का फॉर्मूला है एन सी आर फैक्टोरियल एन माइनस यहां पे रहेगा आर फैक्टोरियल। ये चीज आप याद रखिए, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अब जैसे मैं बोलूं 6C1 इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करके 6 आ जाएगा, ठीक है। मैं बोलूं 7C1 या फिर 8C1, यहां पे बोलेंगे 8 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 8 माइनस 1 7 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करके आंसर 8 आ जाएगा। सो देखिए बेटा ऐसा है ना, जब भी यहां पे 1 हो, यहां पे 1 हो तो हमारा आंसर, देखो यहां पे n क्या है 6 है तो उधर देखो 6 बना, यहां पे 8 है तो उधर देखो क्या बना 8 बन गया। सो ये एक बात है बेटा जो याद रखनी है, कभी भी NC1 आ जाए तो हमारा आंसर n हुआ करेगा n, ये बात बेटा आपको रखनी है याद, ठीक है। अच्छा ठीक है, याद रखेंगे। अब मुझे बताओ यदि 6C1 आ रहा है 5, मैं आपसे पूछूं 6C5 कितना होगा, 6C5 तो आप बोलेंगे सर 6C5 का मतलब 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और 6 माइनस 5 1 फैक्टोरियल, तो ये हमारा बन जाएगा 6। मैं बोलता हूँ 8C7 तो 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 माइनस 7 1 फैक्टोरियल, ये हमारा बन जाएगा 8। तो आप क्या देख रहे हैं बेटा कि जो 6C1 है वो किसके इक्वल है, 6C1 किसके इक्वल है, वो 6C5 के इक्वल है। जो 8C1 है वो किसके इक्वल है, वो 8C7 के इक्वल है। अच्छा अच्छा जरा देखिएगा, मैं आपसे पूछूं कि बच्चे कि लेट्स से 10C2 कितना होगा, 10C2 तो आप बोलेंगे 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये 10C8 के इक्वल भी होगा या नहीं होगा, क्या 10C8 भी इतना ही नहीं आएगा, 10 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 10 माइनस 8 2 फैक्टोरियल, बात तो सेम है। अच्छा मैं लिखता हूं 7C3 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल, क्या ये 7C4 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, आप बोलेंगे यस सर होगा। अच्छा मुझे बताओ ऐसी 10C4 किसके इक्वल होगा, तो आप जवाब देना क्या 10C6, सर 6 कैसे लिख दिया आपने, तो देखो भाई 10 में से 2 माइनस करो, 7 में से 3 माइनस करो, 10 में से 4 माइनस करो, सोच पा रहे हो। ऐसी मैं बोलूं 8C5 तो 8 में से 5 माइनस करो 3, ओके। सो ये एक बात बेटा जो याद रखनी है कि कभी हम बोलें कि NCR तो वो इक्वल टू हुआ करेगा क्या NCN-N-R, ये बात बेटा आप लोगों को रखनी है याद, ठीक है। अच्छा क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि 1 में 5 प्लस कर लेंगे तो 6 आ जाएगा, 1 में 7 प्लस कर लेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 में 6 प्लस कर लेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 में 3 प्लस कर लेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो भाई लोग ऐसा है एक रूल यहां पर हम कह सकते हैं कि कभी भी अगर NCA इक्वल टू हो क्या NCB, NCA और NCB हमारे क्या हो इक्वल हो, ठीक है। तो यहां पर देखो दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो ये A उस B के इक्वल होगा या अगर इक्वल नहीं है तो इन दोनों A और B को प्लस करके N आता होगा भाई, ये दो चीजें भाई, इस बात को आप लोगों को रखना है याद। अब आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, भाई देखो ऐसा है, सोचो सोचो क्या 8C2 और 8C2 क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बताओ भाई जल्दी से, क्या 8C2 और 8C2 दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ऑब्वियसली होंगे, इसको सॉल्व करो उसको सॉल्व करो आंसर सेम ही आएगा। क्या इन दोनों को प्लस करके 8 आएगा, नहीं 8 नहीं आएगा, ये दोनों सेम, अगर ये 2 और वो 2 अगर दोनों सेम है तो दोनों को प्लस करके 8 नहीं आएगा। तो मैं वही कह रहा हूं भाई, अगर NCA और NCB दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो क्या पता ये A उस B के इक्वल हो भाई, NCA इक्वल टू NCA तो वो हो सकता है कि A और B एक दूसरे के इक्वल, बट अगर मान लो A और B एक दूसरे के इक्वल नहीं है, जैसे देख लो 1 5 के इक्वल नहीं है
तो उस सिचुएशन में इस 1 और इस 5 को प्लस करके 6 बनेगा। तो मैं बोल रहा हूं अगर ये a उस b के इक्वल नहीं है तो इस a और इस b को प्लस करके हमारा n बन जाएगा। ये ठीक है बेटा, हमारा a और b दोनों को प्लस करके हमारा n आ जाएगा। तो ये बात भी भाई लोग आप लोगों को रखनी है याद, ठीक है, ये भी आप याद रख लेंगे। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन बोलता हूं, कह रहा है कि हमारा हमारा NC3 और NC11 है, कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू हमसे पूछ ली जाती है। तो मुझे मालूम है कि ये 3 और ये 11 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं है तो पक्की बात है इस 3 में 11 प्लस करूंगा तो पक्की बात है मुझे n मिल जाएगा, और n की वैल्यू बेटा मुझे मिल जाएगी कितना 14, n की वैल्यू बच्चे मुझे मिल जाएगी कितना 14। ओके ठीक है सर, एक क्वेश्चन और देखिए, मुझसे बोलता है बेटा कि 6cx जो है वो इक्वल टू 6c 2x-4 है, 2x-4 के इक्वल है, ठीक है। और अब हमसे बोलता है कि बताओ जी हमारा जो x है वो किसके इक्वल होगा, फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो भाई इस सिचुएशन में ना अब ऐसा है, दो केसेस हो सकते हैं। देखो यहां तो मुझे पता चल चुका था कि 3 और 11 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, बट यहां मुझे नहीं मालूम कि x और 2x-4 एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप ये दोनों केसेस लेकर चलेंगे कि क्या पता दोनों एक दूसरे के इक्वल हो, अगर एक दूसरे के इक्वल होंगे तो x को इक्वल टू रख देंगे 2x-4, 4 को लेफ्ट में ले आओ 2x-6, x की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। या इस x में उस 2x-4 को प्लस कर लो और इक्वल टू रख लो 6, तो ये बन जाएगा कितना 3x इक्वल टू आ जाएगा 10, और यहां से x निकल जाएगा 10/3। अब 10/3 तो हम फ्रैक्शन में तो रखेंगे नहीं ना इसको, तो ये रिजेक्ट कर देंगे, हमारा x इक्वल टू 4 आ जाएगा। और चाहे चेक करके देख लो 6c 4 और 6c 2 × 4 8 8-4, लो जी बन रही बात, 10/3 आप फ्रैक्शन में तो रखना ही नहीं है, ठीक है। सो x की जो वैल्यू है बेटा इसमें कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4। इस बात को आप लोगों को याद रखना है भाई, ठीक है ना। सो ये हो गया। अब इसमें बेटा एक रूल अब आप लोग और जान लो, एक रूल और देख लो बेटा, फॉर्मूला है कि अगर कभी लिखा हो NCR + NCR+1, NCR हो और साथ में NCR+1 हो तो याद रखिए ये इक्वल टू होगा N+1 और R+1, कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलूं 5C2 और 5C3, ठीक है, R और R+1, देखो 5 दोनों में सेम होना चाहिए और ये 2 है और वो 3 है, तो ये जो वैल्यू इक्वल टू आएगी तो 5 में एक प्लस कर दो 6, और इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, आप बोलेंगे 3 ले लिया जाएगा। सॉल्व करके देख लेते हैं, 5C2 ये आ जाएगा 5 × 4 = 20/2 = 10, ये बन रहा है 20। उसको सॉल्व करते हैं 6 3 3 6 5 4 3 2 1, लो जी ये भी बन गया 20, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। ये एक प्रॉपर्टी बेटा जो आप लोगों को रखनी है याद। दोबारा देखिए क्या है, NCR + 1, यहां n होना चाहिए, लो जी 5 है दोनों में, यहां r और R+1 होना चाहिए तो 2 और 2+1 = 3 है, ठीक है। तो राइट में जो आंसर बनेगा वो 2 और 3 में से ग्रेटर कौन है, आप बोलेंगे 3, तो 3 लिख दो, 5 में 1 प्लस कर दो वो 6 आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूं 2C1 या फिर 3C1 + 3C2, ये किसके इक्वल होगा, तो आपका जवाब होगा 1 और 2 में बड़ा कौन, आप बोलेंगे 2, 3 में 1 प्लस कर दो 4, ये आंसर आएगा। चेक करके देख लो, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 3 होती है, बनेगा 6, और 4C2 की वैल्यू भी 6 ही होती है भाई,
ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा भाई, ये भी काम की प्रॉपर्टी है भाई आप लोगों के, ठीक है, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब इतना भी समझ गए। अब एक एक बाइनोमियल, एक पास्कल ट्रायंगल रूल है बेटा, अगर देखिएगा, जैसे कभी मैं बोलूं 0C0 तो इसका आंसर तो 1 है भाई, इसका आंसर 1 क्यों है, 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, तो 1 रहेगा, ठीक है। 1C0 1C1 1C0 1C1, ये जो यहां पर आंसर बनेगा 1C0 की वैल्यू 1, भाई तुम सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं 1C1 की वैल्यू 1, ये आ गया 2। अच्छा 2C0 2C1 2C2 2C0 2C1 2C2 2C0 की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 1, बन गया 4। फिर मैं 3 लिखूं, 3 शुरुआत देखो मैंने 3 से कर रहा हूं, एन की जगह मैंने 3 लिखा है, शुरुआत 0 से करनी है, 0 से इसको बढ़ाते हुए लेके चलो 3C1 3C2 3C3, ऐसी 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4, ठीक है। तो देखो ऐसा है, यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो 8 आएगा, यहाँ पर हमारा आंसर 16 आएगा। सर कैसे, देखो 1, इसकी वैल्यू बनेगी 3, इसकी वैल्यू बनेगी 3, इसकी वैल्यू बनेगी 1, पॉज करके तुम इसको सॉल्व कर लेना, लो जी 8 आ गया, 1 4 6 1 4 6 4 1, इसका आंसर 16 आएगा, 5 6 11 4 15 और 1 16। तो अब जरा मैं ये कैसे लिख पा रहा हूँ डायरेक्ट, तो देखो जरा ये है 2 की पावर 0, ये है 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 2, ये है 2 की पावर 3, ये है 2 की पावर 4, 2 की ही पावर में आना है, क्या आना है, यहां देखो 0 था तो 2 की पावर में 0, यहां पे 1 है तो 2 की पावर में 1, यहां पे 2 है तो यहां पे 2 की पावर 2, यहां पर 3 है तो यहां 2 की पावर 3। अगर मान लो मैं लिखूं NC0 NC1 NC2 NC3 एंड ऐसी लिखता रहूं जब तक दोनों एक दूसरे के इक्वल ना आ जाए, तो ये 2 की पावर में n बनेगा भाई। ये बात भी बेटा आप लोगों को रखनी है याद, प्रतियोगी परीक्षा वाले जितने बच्चे हैं भाई, ठीक है, सी ए फाउंडेशन वाले बच्चे हैं हमारे साथ, CMA फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, JEE वाले बच्चे हैं, ये सब चीज़ें ऐसे जो बीच बीच में जो बड़ा बातें बता रहा हूँ सब काम की चीज़ें हैं यार, ठीक है। तुम बोलोगे कि हाँ सर NCERT में तो किसी क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ी, हाँ सही बात है नहीं पड़ेगी तो, बट तुम्हें मालूम होना चाहिए भाई, ठीक है। ओके सो ये हमारा बनता है, इस चीज़ को याद रखना है। अब मैंने बोला पास्कल ट्रायंगल ना, तो देखना यहाँ 1 था, इसमें 1 एंड 1 था, 1 एंड 1, 1 2 1 1 2 1, ठीक है। अब देखना पहला एलिमेंट 1 होगा, लास्ट वाला एलिमेंट 1 होगा, 1 प्लस 2 2 प्लस 1, देख लो 1 3 3 1, पहला एलिमेंट 1 1 प्लस 3 4 3 प्लस 3 6 3 प्लस 1 4, और लास्ट में 1, ये जो है यहां पर हमारा n होता है 0, इसमें हमारा n होता है 1, इसमें हमारा n है 2, n है 3, n है 4, n है 5, ऐसे तुम इंक्रीज करते रहो, शुरुआत 1 से होगी, 5 10, इन दोनों को प्लस किया 10 6 प्लस 4 10 4 प्लस 1 5, लास्ट में 1। तो बच्चे एक ट्री बेटा आप लोगों को यहां पे नजर आएगा, एक ट्रायंगल आप लोगों को यहां पे नजर आएगा, और इसको उधर ले जाओ यार, ये जो ट्रायंगल बन रहा है भाई ये हमारे पास्कल ट्रायंगल है। अगर चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर है वहां पर इसकी हम जरूरत हमें वहां पे पढ़ा करती है, फिलहाल वो चैप्टर जो है हमारे सिलेबस का हिस्सा है नहीं यार, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार से बेटा कॉम्बिनेशन की खूबसूरती है, ये इस प्रकार से बेटा कॉम्बिनेशन में जितने भी कॉफिशेंट्स हैं 1 1 2 1 2 1 1 3 3 1, तो ये सब बेटा इस प्रकार से हम पूरा आगे तक इसका पूरा पैटर्न बना सकते हैं। ऐसे हम n इक्वल टू 6 यहाँ पर हम ले सकते हैं 1 6 15 20
15, 6, ऐसी 1, ऐसे हम इस तरह से ट्राइंगल को पूरा आगे तक भी भाई कंटिन्यू कर सकते हैं यार, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन की कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए ये भी आप लोगों को चलो समझ में आ गया है। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। देखिएगा भाई लोग, अब जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है यहां पे, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास इधर आता है, ये हमारा 7.4 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि NC8 जो है वो NC2 के इक्वल है। अगर मुझसे पूछ ले कि N क्या है, तो आपको मालूम है कि 8 2 के इक्वल नहीं है, तो नहीं है तो ठीक है, 8 में 2 प्लस कर लो, हमारा N आ जाएगा 10। ओके, नाउ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए NC2, NC2 चाहिए। N की वैल्यू 10 है, C2 तो 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, सॉल्व कर लो भाई इसको, 10 × 9 हमारा आंसर आ जाएगा 45। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा बच्चे, देखो 2NC3 है, तो इसमें मैं फॉर्मा लगा लेता हूं, 2N का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और 2N-3 का फैक्टोरियल, ऐसी रेशियो में n का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, n-3 का फैक्टोरियल, यहाँ रहेगा 12:1। तो ये बन जाएगा 2n का फैक्टोरियल। अच्छा, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं यार, 2n, 2n-1, 2n-2, 2n-3, यहाँ पे इसको रोक लो। डिनोमिनेटर में देखो, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, आगे 2n-3 फैक्टोरियल है, रेशियो n फैक्टोरियल, तो n, n-1, n-2, n-3 अपॉन में यहाँ पे है 3 फैक्टोरियल और n-3 फैक्टोरियल इक्वल टू में 12:1। ओके, सो यहाँ आप देखेंगे बच्चे कि हमारा ये 2n-3 है, ये 2n-3 से कैंसिल, n-3 से n-3 कैंसिल हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ पे ये 2n है, 2n-1 है, इन दोनों में 2 ले लो कॉमन, ये मल्टीप्लाई आ जाएगा 3 फैक्टोरियल ऊपर, n, n-1, n-2 आ जाएगा 12:1। तो आप देखेंगे बेटा इसमें 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल भी कैंसिल, n-1 से n-1 कैंसिल, इस n से ये n कैंसिल, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2, 4 इंटू में 2n-1 अपॉन में है n-2 इक्वल टू में है 12:1, 3। सो 2n-1 इक्वल टू 3n-6 और -6 + 1 ये 5, हमारा n बन जाएगा इसमें कितना 5। सो n की वैल्यू बेटा यहाँ पर हमारी निकल गई है। अब ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम्स बेटा हमारे सामने यहाँ पर अब आने वाली हैं, तो उन वर्ड प्रॉब्लम्स की हम बात करते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने, देखिएगा बच्चे, बोला गया है कि हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। How many chords can be drawn through 21 points on a circle? ठीक है, देखो सर्कल की जब हम बात करते हैं ना, सर्कल की जब हम बात करते हैं तो एक सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे 21 पॉइंट्स बेटा इसके ऊपर हमने बना रखे हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन, कॉर्ड्स बनानी है यानी लाइंस बनानी है, तो सोचो ये एक कॉर्ड है, ये ए हो सकता है, ये बी हो सकता है, ऐसी एक कॉर्ड ऐसी हो सकती है, ऐसी एक कॉर्ड ऐसी हो सकती है। तो किसी भी कॉर्ड को बनाने के लिए हमारे पास सर्कल के ऊपर हमें 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, और सर्कल के ऊपर पॉइंट्स हैं कितने, आप बोलेंगे टोटल 21 पॉइंट्स हैं, तो मुझे चाहिए टोटल कॉर्ड्स। तो देखो पॉइंट्स टोटल मेरे पास कितने हैं, आप बोलेंगे 21, और
कॉर्ड बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? आप बोलेंगे दो पॉइंट्स की जरूरत होती है, तो 21C2। यहां कॉम्बिनेशन लगा भाई, क्यों? क्योंकि कॉर्ड चाहे ए बी बोलो या बी ए बोलो, बात तो सेम ही रहेगी, ए बी बोलो या बी ए बोलो, दोनों ही सिचुएशन में यहां पर सेम ही बात रहेगी यार। तो टोटल कॉर्ड्स हमारी आ जाएंगे 21C2, और इसको सॉल्व करेंगे यार तो 21 का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 21 माइनस 2 19 फैक्टोरियल। तो ये इस तरह की चीज हमारे सामने आती है, फिर 21 20 19 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे 210। ये बेटा हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पर बन जाता है आंसर। ओके सर, ये समझ में आ गया, बढ़ेंगे आगे। अब देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे भाई, देखिएगा ध्यानपूर्वक, जहां पर अब थोड़ा सा समझना है भाई, करके इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम, बॉयज जो हमारे पास है वो है 5, गर्ल्स जो हमारे पास है 4, करे इन 5 में से 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं और 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके उन्हें कोई इनाम नहीं देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं बनाना, बस सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था ना कि हमें अपनी क्लास में कोई 2 मॉनिटर चूज करने हैं, अब मैं राम को और श्याम को चूज करूं या श्याम को और राम को चूज करूं, बात एक ही है, ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं बोलूं 3 बॉयज अगर सेलेक्ट करने हैं, 3 बॉयज, सो दे कैन बी सेलेक्टेड इन, 5 हैं सेलेक्ट करने 3, इन 5C3 वेज, राइट? ऐसे ही 3 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड इन 4C3 वेज, 4 में से 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, 5 में से 3 बॉयज को सेलेक्ट करना है। हमें चाहिए टोटल सेलेक्शन, टोटल वेज, टोटल कॉम्बिनेशंस कह सकते हैं। तो भाई सिंपली इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दो, 5C3 की मल्टीप्लाई कर दो 4C3 के साथ, ये हमारा बेटा बन जाएगा इसका आंसर। हाँ सॉल्व कर लेना यार, आगे सॉल्व का सॉल्यूशन का काम आप लोग कर लेना। ये होता है भाई ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फाइव हमारे सामने। क्वेश्चन 5 कहता है बेटा, कह रहा है भाई कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉयज फ्रॉम 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड 5 वाइट एंड 5 ब्लू। हमें 9 बॉल्स सेलेक्ट करनी है, ईच सेलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, 3 चाहिए रेड, 3 चाहिए व्हाइट और 3 चाहिए ब्लू, ब्लू है ना, हाँ 3 चाहिए ब्लू। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई इसको, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि 6 रेड बॉल में से 3 सेलेक्ट करनी है। सेलेक्शन से बेटा यहां पे ऑर्डर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट यहां पर नहीं है भाई लोग, चल जा भाई, क्या हो गया, ओके सो देखिए बेटा 6 में से 3 रेड बॉल सेलेक्ट करनी है, ठीक है, ऐसी 5 में से 3 व्हाइट बॉल सेलेक्ट करनी है और ऐसी 5 में से 3 ब्लू बॉल हमें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। सो ये यहाँ पर हो जाता है खत्म, आगे कैलकुलेशन का काम जो है मैंने वो आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है, ठीक है। 9 बॉल्स चाहिए हमें, 6 रेड में से, 5 व्हाइट में से और 5 ब्लू में से, 3 बॉल हमें सेलेक्ट करनी है, तो ये काम आगे आप लोग इसको खुद से करना। ओके बढ़ेंगे अगले की तरफ, नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन बेटा हमारे सामने आता है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कह रहा है कि 52 कार्ड्स में से मुझे सेलेक्ट करने हैं 5 कार्ड्स, 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब क्या बोलता है, उन 5 कार्ड में क्या होना चाहिए, इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस, 5 में 1 होना चाहिए एस,
और बाकी के जो चार हैं वो एस के अलावा कुछ और हो, अदर देन एस। तो भाई इस सिचुएशन में ना अब एक काम करो, जो 52 कार्ड्स हैं उसमें से बताओ एस कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे चार। मैं बोलता हूं अदर देन एस कितने होते हैं, अदर देन एस, तो आप बोलेंगे वो होते हैं 48। भाई चार एस हैं तो नॉन एस 48 होंगे, तो मुझे उन चार में से सेलेक्ट करना है एक एस एंड एंड उस 48 में से सेलेक्ट करने हैं चार अदर देन एस। इसको सॉल्व करके भाई लोग हमें यहां पर आंसर मिल जाना है। ये भी समाप्त हो रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर सेवन हमारे सामने आता है। कहता है कि इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11। 17 प्लेयर में से मुझे सेलेक्ट करने हैं 11, ठीक है। इन विच ओनली 5 प्लेयर कैन बॉल, 17 जो प्लेयर हैं 5 तो उसमें बॉलर हैं भैया, बाकी के 12 बैट्समैन होंगे। और क्या बोलते हैं, इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर। कह रहे कि देखो 17 की जो टीम हम लेके जा रहे हैं ना, 17 जो प्लेयर हमारे पास हैं उसमें 5 तो बॉलर हैं बाकी 12 बैट्समैन हैं, मुझे सिर्फ 11 प्लेयर चूज करने हैं और उस 11 प्लेयर में भी मुझे बॉलर सिर्फ 4 चाहिए, बाकी के 7 क्या होने चाहिए बेटा, वो होने चाहिए बैट्समैन, कितने होने चाहिए 7। तो 5 में से 4 बॉलर चाहिए और 12 में से 7 बैट्समैन चाहिए। देख लो 11 की टीम हमारी बेटा यहाँ पर बनने वाली है। इस तरह से ये भी होता है भाई, ये भी होता है, ऐसे ही बच्चों। 8वां खुद से करना यार, ठीक है, मैं बता रहा हूँ नाइन्थ। लो जी सर, क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। 9 कोर्सेज हैं हमारे पास जो कि अवेलेबल हैं और एक स्टूडेंट को 5 ही कोर्स चूज करने हैं। कह रहे कि 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 सब्जेक्ट, 2 स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आर कंपलसरी। ये तो तुम्हें चूज करने ही करने हैं, मतलब तुम्हारी मर्जी नहीं है, ये हम जबरदस्ती दे रहे हैं, ठीक है। बाकी के 7 क्या हैं, वो नॉन कंपलसरी हैं, दे आर नॉन कंपलसरी, ठीक है। अब तुम्हें चूज करने हैं 5, अब 5 में से 2 के ऊपर तुम्हारी मर्जी नहीं है भाई, ठीक है ना। एक कॉमर्स स्टूडेंट की बात करें तो उसको बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी अपने आप मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में उसके बाद चॉइस होती है कि लेना है कि नहीं लेना है। तो ये 2 तो कंपलसरी सब्जेक्ट है जो लेने ही लेने हैं, है ना। बाकी 7 में से देखो हमें टोटल चूज करने कितने, 5। 5 में से 2 तो जबरदस्ती मुझे दे दिए गए हैं, बाकी 3 कोर्सेज बेटा मुझे अभी और सेलेक्ट करने हैं, तो वो मैं उन 7 में से सेलेक्ट करूंगा। तो 2C2 × 7C3, ये बेटा इसको सॉल्व कर लेना, हमारा इस क्वेश्चन का बन जाएगा आंसर। ओके, सो ये भी यहां पे होता है खत्म। बढ़ेंगे अगले की तरफ। क्वेश्चन देखेगा भाई लोग, क्वेश्चन नंबर सेवन मिसलेनियस का क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। कहता है भाई कि इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 पार्ट 2, कंटेनिंग 5 and 7 क्वेश्चंस रिस्पेक्टिवली। अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन ऑल। भाई दोनों को मिलाकर मुझे 8 ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, मतलब 7 वहां के कर लो, 1 यहां के कर लो, 8 हो जाएंगे, या फिर 5 यहां से कर लो, 3 वहां से कर लो, 8 हो जाएंगे, तुम्हारी मर्जी है ना। वो तो चलो पढ़ दें, कुछ और भी बोल रहा है। कर कि अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन ऑल, लेकिन आगे कंडीशन लगा दी, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। भाई हर पार्ट से
कम से कम 3 क्वेश्चन तो जरूर करने हैं भाई, हर पार्ट से बेटा कम से कम हमें 3 क्वेश्चन जरूर करने हैं। अब सोचो यहां तो अब केसेस बन जाएंगे, मान लो तुम पहले पार्ट से 3 क्वेश्चन करते हो तो दूसरे से 5 क्वेश्चन करने पड़ जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो पहले से 4 करते हो तो दूसरे से 4 करने पड़ेंगे, टोटल 8 क्वेश्चंस करने हैं ना, पहले से 4 के तो दूसरे से 4 कर लेंगे। अच्छा मान लो पहले से तुम 5 क्वेश्चन कर लेते हो तो दूसरे से 3 करने पड़ जाएंगे, टोटल बेटा हमें जो है यहां पे 8 क्वेश्चन करने हैं, स्टूडेंट को कुल मिला के 8 क्वेश्चन करने हैं। तो पहले से 3 करोगे तो दूसरे से 5 करोगे, पहले से 4 करोगे तो दूसरे से भी 4 करोगे, पहले से 5 करोगे तो दूसरे से 3 करने पड़ेंगे भाई। तो अब देखो 5C3 × 7C5 + 5C4 × 7C4 + 5C5 × 7C3। सो यहां पर जो है बच्चे केसेस बन रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, तो ये या आ रहा है बच्चों, या जहां आ रहा है वहां प्लस आ रहा है, ठीक है, जहां एंड आ रहा है वहां मल्टीप्लाई आ रहा है, फर्स्ट 3 एंड सेकंड 5 मल्टीप्लाई, या फर्स्ट 4 सेकंड 4, ठीक है। सो बच्चे यहां पर जो है कॉम्बिनेशन के भी भाई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पर किए हैं, कुछ क्वेश्चन जो रह गए हैं वो तुम्हारे हवाले हैं भाई, जो इजी क्वेश्चन है प्रैक्टिस करो, कहीं दिक्कत आ रही है कमेंट करके बताओ, ठीक है। मुझसे जो डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं बेटा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, वहां पे चैनल है हमारा, वहां पर मेरी सारी अपडेट आपको मिलेंगी, ठीक है। कोई बात मन में हो इंस्टाग्राम के माध्यम से बेटा आप मुझ तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही उसका लिंक भी दिया हुआ है। जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हम आपके जूम कोर्स में खुद को एनरोल करवाना चाह रहे हैं भाई, तो ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मेरी एप्लीकेशन का भी लिंक दे रखा है, श्रीराम एडियो मित्रा एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर बेटा आपको मेरे सभी कोर्सेज मिल जाएंगे, क्लासेस मेरी जूम एप्लीकेशन पे होती हैं, बाकी यूट्यूब पे भाई यहां तो कंटेंट लगातार आता है यार, आता रहेगा, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी एक वीडियो किया है, आने वाले टाइम में बेटा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चंस की सीरीज मैं यहां पे शुरू कर दूंगा, जो यहां से टफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो भाई मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा यार, ओके। सो ये जो वीडियो हमने करी है, जो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स हैं यार आपके लिए वीडियो बेटा मैंने कराई है, आपके हालांकि सीए फाउंडेशन में कई सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं यार, ठीक है, तो उसके ऊपर भी बेटा बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए एक पूरी सीए फाउंडेशन की एक अलग सीरीज में शुरू करने वाला हूं, ठीक है बच्चों। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे आप लोगों से सीधा नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।